हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरहंत यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपनी संकल्प सीरीज का अध्याय नंबर 13। चैप्टर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप लोगों के लिए रखा गया है इस सीरीज में, जहां से आपको एक एक करके पूरा का पूरा कंप्लीट क्लासेस आपको मिल गया होगा। और आपने सारी क्लासेस को देखने के बाद पहले से ज़्यादा आप बहुत अच्छा बेटर फील कर रहे होंगे। मैं बात करूँगा अगर इस सेक्शन की, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या जानना होगा, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परीक्षा का ट्रेंड क्या होता है, एग्जाम का ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है इस चैप्टर को लेकर। तो आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है ये। यहां पर 2020 में एक क्वेश्चन, 2019 में दो क्वेश्चन, 18 में दो क्वेश्चन, 2013 में तो हद ही कर दी, और 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन वन बाय वन करके पूछा गया था। हमेशा की तरह एक बात जानेंगे कि सवालों को कैसे हमें अटेम्प्ट यहां पर करना है। तो आपने ये देखा होगा कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं, और वो चीज क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं, देखिएगा वन बाय वन करके कैसे। अगर मैं यहां पर आपसे कुछ बातें करूं, छोटी छोटी बातें, तो एक बात बताइएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक बात बताइएगा, क्या आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। सभी लोग जानते होंगे, आप लोग चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, आप सभी के सभी इस बात को भी जानते होंगे। अगर आप इस बात को जानते हैं तो एक बात बताइएगा, मतलब इसका मतलब यही है ना कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो बात क्लियर है। डिस्टेंस जो होगी वो किस किस में हो सकती है, या तो मीटर में होगी, या फिर किस में होगी, छोटी दूरी है तो मीटर में, या फिर किलोमीटर। तो टाइम किस में होगा, या तो सेकंड में होगा, या इसकी बड़ी यूनिट क्या होगा, आवर में होगा। तो स्पीड जो बन सकती है वो क्या क्या बन सकती है, या तो मीटर पर सेकंड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, किलोमीटर पर आवर बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका 22 वर्षा भी आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, देखिएगा, अगर कोई कहता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फॉर्मेट बना लीजिए बोलने का, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, या मैं कहूं आपसे टाइम बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टाइम बराबर होगा, यहां से टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। या फिर यहां से एक और बात समझ में आने लग गई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, ये बात आपको पता चल रही है। अगर आप इतनी बातें जानते हैं तो बात को पकड़ने का प्रयास करना। सबसे पहला सवाल बनता है, सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना, मीटर पर सेकंड में बदलना, या इसका 22 वर्षा भी बनता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। ट्रिक मत बनाना, चीजों को समझना। असल में ये खेल सारा का सारा, हर एक फिल्म का एक हीरो होता है, और इस फिल्म का जो हीरो है वो कौन है, स्पीड है। तो स्पीड का जब भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लें आपके पास में आ गया 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप लिखेंगे 90, लिख दिया आपने 90। अब आपको पता होना चाहिए कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है। वन आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 60 तो मिनट होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं सेकंड कितने, तो 60 × 60 कीजिएगा तो कितना सेकंड आएगा, कुल मिलाकर 3600 सेकंड निकल कर आएगा। क्या बोलो, हाँ या ना? अगर ये चीजें छोटी छोटी पता है आपको, तो देखना 90 किलोमीटर को मीटर बनाना है 1000 आ जाएगा, अपॉन आवर को सेकंड बनाना है तो 3600 आएगा, और ऊपर मीटर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। यहां से जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो ऊपर बनता है 5 और नीचे बनता है 18। मतलब हम ये समझे कि किलोमीटर पर आवर से ये क्या बनकर आ गया, 90 × 5/18 आ गया, तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड निकलकर आपका आ गया होगा। तो यहां से हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जब कभी भी मुझे मीटर पर सेकंड से, किलोमीटर से अगर जाना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 5/18 का। बोलो बात क्लियर है। और अगर मुझे मीटर से आना है तो हम क्या कर देंगे, 18/5 का कर देंगे। इसका 22 वर्षा यहां से प्रूफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग ना 18 की टेबल याद रखो, 18 की टेबल अगर आपको पता है ना, तो आप बहुत बड़े काम कर जाओगे। कैसे, देखना समझना, कैसे यूज कराऊंगा मैं इसकी टेबल का, जिससे ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, जनरली हो जाते हैं। जैसे कोई बोलता है आपसे 18 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या कीजिएगा, इस 18 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन इतना लंबा नहीं करना, मैंने कहा 36 किलोमीटर पर आवर,
तो एक बार 18 की टेबल पढ़नी है और एक बार आपको 5 की टेबल पढ़नी है। तो 18 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, दो बार में। तो 5 की टेबल भी आप दो बार पढ़ लीजिए, आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। कोई बोले 90 किलोमीटर पर आवर अगर आ गया तो क्या करेंगे सर, तो बड़ा आसान है। 18 में 90 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड निकलकर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसके बाद कभी कोई बोले कि 1/2 मिनट है, कोई बोल रहा है आपसे 30 मिनट है, इसे कोई ने बोला 15 मिनट का मतलब क्या होता है, याद होना चाहिए। 15 मिनट का क्या होगा, आप डिवाइड लगाओगे 60 से तो कितना होता है, 1/4 आवर होता है क्या, घंटे में होता है। कोई बोले 30 मिनट का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, 1/2 आवर होता है। कोई बोले 40 मिनट का, ये आपको छोटी छोटी चीजें आपको स्ट्रांग बनाएंगी, 40 बटा मतलब 2/3 आवर होता है, बोलो हाँ या ना। 45 मिनट कोई बोलेगा तो आप क्या कह देंगे सर, 3/4 आवर होता है। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। तो बस इन्हीं चीजों पर हम सवाल बनाने वाले हैं धीरे धीरे करके, और चीजों को हम लगातार समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरी वाली बात आ जाती है, इसका क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है देखिएगा। एक व्यक्ति 200 मीटर की दूरी तय करने में 50 सेकंड का समय लेता है। एक व्यक्ति, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, एक व्यक्ति 200 मीटर की दूरी तय करने में 50 सेकंड का समय लेता है तो चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है बताओ, आप जरा आप ही बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, आप कहेंगे सर 200 है, और यहां पर जो स्पीड है वो कितनी है, 50 है। तो 50 से आप कैंसिल करेंगे, 4 बार चला जाएगा, मीटर में ही बताना है, इसलिए आंसर क्या निकल कर आ गया, मीटर पर सेकंड। किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई फालतू की ट्रिक मेरिक नहीं करना है आपको, जौंसी जैसी नॉर्मल चीजें हैं, उन्हीं नॉर्मल चीजों के अनुसार आपको क्या बनाने हैं, सारे के सारे धीरे सवाल बनाने हैं। गॉट इट, यहां तक कोई बात डाउट बने तो आप पूछेंगे मुझसे, है ना। समझ, अगला वाला सवाल है, कृतिका 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा तय करती है, जिसमें वह साइकिल की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे रखती है, वह इस दूरी को कितने समय में तय कर लेगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी चाल कितनी है 5। अब याद रखना ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो होता क्या है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होकर आवर ऊपर चला जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट वाला आंसर बनेगा। गॉट इट यहां तक सभी को, ठीक है। तो ऐसी करके अगला वाला सवाल दिया है, 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे वो आपको बनाना है। अगला वाला सवाल बनता है आपके पास में, एवरेज स्पीड निकालना। अगला जो हमारा पड़ाव है वो क्या है, औसत निकालना आपको आना चाहिए। अब औसत क्या होता है देखना, औसत जब भी निकालना है तो मार्केट में आप देखेंगे यहां पर 2xy/x+y का सहारा ले सकते हैं आप लोग। और जब दो लोगों का है, जैसे औसत ऐसे निकलेगा, एक बंदा इधर से लेकर इधर तक की दूरी x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है और वो उसी दूरी को लौट कर आता है किलोमीटर पर आवर से। लेकिन ये कब लगेगा, जब दूरी क्या हो बच्चों, जब दूरी क्या हो समान हो, याद रखना इस बात को, जब दूरी क्या हो समान हो, ठीक है। 3 का अगर आ जाए मान लें, अलग अलग बराबर बराबर दूरी ट्रेवल करते हैं, ये x से करता है, ये y से करता है, ये बराबर दूरियां हैं, d दूरी है, ये करता है x किलोमीटर पर आवर से, ये करता है y किलोमीटर पर आवर से, ये करता है, तो इसका क्या बनता रहता है औसत का, औसत बराबर होता है 3x/z। समय के हिसाब से आप बिल्कुल इनका सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका और भी बताऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप सारी बातें छोड़ छाड़ के, अब या तो आप याद करो, या तो दूरी जब समान हो और अलग अलग हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सीधी बात याद रखो, चाल बराबर क्या होता है, बस मुझे इतना बता दो आप। आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये आपको याद है। अगर कोई बोले औसत चाल निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, औसत चाल अगर पूछे निकालने का, तो आप कह देना कुल दूरी, औसत क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, कुल दूरी बटे कुल समय कर दीजिएगा, तो आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेंगे, ये सब में काम कर जाता है। गॉट इट यहां तक, चलिए। तो ये भी आप जानने लग गए हैं, अगर ये सारी बातें आप जानने लग गए हैं तो फिर आता है एक कॉन्सेप्ट सापेक्ष चाल वाला। देखो ये लिखा हुआ है, सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट क्या है समझना। हर एक फिल्म का एक हीरो होता है, और अगर मैं मान लूं मैं ए जो है ए नाम का लड़का वो इधर पर भागा एक्स किलोमीटर पर आवर से, और बी नाम का लड़का भी इसी दिशा में भागा है बाई किलोमीटर पर आवर से, भाग गए दोनों। जब ये भागेंगे तो 1 घंटे बाद ये वाला बंदा एक्स के यहां कहीं आ जाएगा और ये वाला बंदा यहां कहीं आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो धीरे धीरे इनकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और कम होती है तो समान दिशा में जो इनकी सापेक्ष चाल निकलेगी, जिसे हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, तो जो सापेक्ष चाल निकल कर आएगी वो कितनी आने वाली है, x-y किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगी। एक एग्जांपल दिखा देता हूं, मान लो ये 10 की स्पीड से जाता है और ये जाता है 5 की स्पीड से, समान दिशा में जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे स्पीड जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 किलोमीटर पर आवर में होने वाली है। गॉट इट यहां तक।
दूसरे वाले पड़ाव की अगर मैं बात करूं, दूसरा पैटर्न क्या बनता है देखना, एक बंदा जा रहा है इस दिशा में x किलोमीटर पर आवर से, और एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, बाई किलोमीटर पर आवर से। तो अपोजिट जब जाएंगे तो इनके बीच का जो फासला है वो बढ़ता जाएगा, फासला बढ़ता जाएगा, फासला बढ़ेगा तो जो सापेक्ष चाल निकल कर आती है, जो सापेक्ष चाल निकल कर आती है, फासला जब बढ़ेगा दूरी बढ़ जाएगी, तो x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर होगा। जैसे मैं बोलूं एक बंदा जा रहा है यहां 10 की स्पीड से और एक अपोजिट में आ रहा है 5 की, तो डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड बोलोगे आप कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर आप बोल सकते हो। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कुल मिलाकर दो स्पीड नहीं लेनी है, या तो उसे प्लस करना है या तो क्या करना है माइनस, सेम सेम में माइनस। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो क्या होगा, विस्फोट होगा, विस्फोट होगा ना, इसलिए माइनस याद रखिएगा। या फिर अपने घर के दो फेज को टकरा दीजिए, मिला दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ यहां पर हो रही है। गॉट इट यहां तक, चले फिर आगे। चलिए प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना आपको सारी की सारी चीजें। चलिए इतना अगर आपको पता चल गया है तो फिर मैं आपको लेके चलता हूं अगली वाली कहानी पर, देखिएगा। तो सवाल जैसे यहां पर बना हुआ है सापेक्ष चालों का दिया गया है, यदि दो कार चालक ए और बी नई दिल्ली से कानपुर के लिए एक ही समय पर क्रमशः 45 और 49 की स्पीड से चलना आरंभ करते हैं, 3 घंटे के पश्चात दोनों कार चालकों के बीच की दूरी कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। कितने घंटे बाद पूछी है, 3 घंटे बाद। तो एक बात बताओ, ये 3 घंटे जब चल रहे होंगे, सवाल नंबर 4 में जब ये 3 घंटे चल रहे होंगे तो असल में इनकी स्पीड का डिफरेंस बन रहा होगा, उतनी दूरी चली होगी इन्होंने, तो 45 और 49 कैसे जा रहे हैं, ये एक ही समय, समय एक ही है, ए और बी नई दिल्ली से कानपुर के लिए एक ही टाइम पर निकले हैं नई दिल्ली से कानपुर के लिए। ये भाग रहा है 45 की स्पीड से, ये भाग रहा है 49 की स्पीड से, तो एक टाइम आएगा ना जब ये लोग, या फिर अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं अलग अलग ना करके इनकी स्पीड का सेम सेम में माइनस होगा। मतलब कितनी स्पीड ज्यादा चलेगा ये वाला बंदा, ये चलेगा आपका 49 इंटू कितने घंटे, 3 घंटे। तो 3 घंटे अगर हम इसको चला दें तो गैप कितने का बन रहा है बच्चों, 4 का, 4 किलोमीटर पर आवर, और 3 घंटे मैंने और चला दिया, तो जो डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। मतलब कुल मिलाकर ये 3 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करने वाले हैं, 45 किलोमीटर पर आवर इनके बीच की दूरी होगी, क्योंकि ये 45 से भाग रहा होगा, ये 49 से भाग रहा होगा, तो ये 45 तो कवर कर ही रहा होगा ना हर बार, ये वाला बंदा हर बार कितनी चल रहा होगा, 1 घंटे में 4 ज्यादा चल रहा होगा, 2 घंटे में 8 और 3 घंटे में 12। इस तरीके से चीजें आप बनाइएगा, बेसिक अप्रोच बनाना पड़ेंगे। पेपर में अच्छा करने के लिए आपको रटना नहीं है चीजों को, चीजों को रटकर बच्चे क्या करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। आपके पास समय सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आराम से सवालों को बना सकते हैं, तो आपको है कॉन्सेप्ट जानना। अब अगली वाली बात आती है, मैं आपसे बात करने वाला हूं किसकी, सारी की सारी जो मैं बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं आपसे अब रेलगाड़ी की। किसकी बात करने वाला हूं अब मैं आपसे, रेलगाड़ी की मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलें रेलगाड़ी की बात करने, रेलगाड़ी की बात अपन कहीं और करते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया बताओ, पहले तो सारी की सारी बातें। अभी तक मैंने आपको सिखाया है सबसे पहली वाली बात, सबसे पहली वाली बात है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो बात क्लियर है। अगर टाइम फिक्स है, अगर टाइम क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, टाइम अगर फिक्स हो जाए, स्पीड फिक्स कर दो, तो स्पीड जो होगी, अगर हम ऐसा कहते हैं डिस्टेंस फिक्स अगर मैं कर दूं, एक बात और पकड़ना, अगर मैं कह दूं यहां पर, अच्छा एक और मैंने बताया 18 की टेबल याद रखो, दूसरा तो मैंने ये बताया आप लोगों को, तीसरा मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 5/18 का, और रिवर्स आना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। यहां तक मैंने आपसे चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगला मैंने पार्ट क्या डिस्कस किया, अगर रिलेटिव स्पीड है सेम सेम डायरेक्शन में है तो चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड स्पीड में ही होगी, और ये मल्टीप्लाई भी स्पीड में ही होता है, जल्दबाजी में गलत करके मत आना। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करोगे, हमेशा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आपको करना है। इसके बाद अगली वाली बात क्या सिखाई मैंने आपको, अगर आपको औसत निकालना है, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर दो लोगों के लिए होती है 2xy अपॉन क्या होती है, x प्लस वाई। तीन लोगों का मैंने बताया, लेकिन काम की चीज क्या है, सबसे बेहतरीन है कुल दूरी बटा बराबर क्या होता है, कुल समय। इसकी मदद से हम काफी सारे सवाल बनाने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 तो मिनट होते हैं,
और जो सेकंड होंगे वो कितने होंगे, 3600 सेकंड होकर आएंगे। गॉट इट? यहां तक इतनी बात आप लोगों ने जान ली मुझसे। अब मैं आप चर्चा करने वाला हूं अगली वाली बातों का। अगर आ जाए सवाल रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी अगर आ जाए तो समझना सारी की सारी बात है, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये आपकी एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, क्या है ये रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी है आपकी 100 मीटर की या 20 मीटर की मैंने मान ली, और यहां पर एक क्या है पोल है, यहां पर एक पोल है, यहां पर एक तो पोल है, इसको मैं बोल सकता हूं पोल, या तो पोल होगा खंभा मतलब, या फिर बिंदु होगा पॉइंट होगा, या फिर आपका ट्री होगा सिग्नल हो सकता है, या फिर कोई आदमी हो सकता है। तो जब ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार करेगी, जब ये रेलगाड़ी 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस आदमी को अगर पार करेगी, ये रेलगाड़ी कितनी लंबी है 20 मीटर लंबी है, आदमी खड़ा है तो रेलगाड़ी, आदमी तो नहीं चलेगा, रेलगाड़ी चलेगी, चलते 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 आएगी, और अभी पार नहीं किया, 20 मीटर लंबी है, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 इस तरीके से वो पार कर लेगी। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से पूछने वाला कि उस समय पर रेलगाड़ी ने कितनी दूरी ट्रेवल करी है। तो आप कहेंगे सर रेलगाड़ी ने 20 ट्रेवल करी है, तो 20 वो किसकी दूरी है, तो वो तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई है। कोई आदमी को पार करना हो, खंबे को पार करना हो, मतलब इस वाले केस में जब कोई रेलगाड़ी रेलगाड़ी खंबा पॉइंट ट्री आदमी को पार करती है तो तय की गई दूरी, तो तय की गई जो दूरी होगी वो क्या होती है, खुद रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो दूरी का किस्सा खत्म कर दिया अपन, रेलगाड़ी क्या होती है, लंबाई होती है। इस कॉन्सेप्ट से आप ना जाने कितने वाले सवाल बना सकते हो, मतलब खंबे वगैरह में आदमी में बिंदु में हमें टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका एक और बनता है बच्चों, क्या बनता है समझना। दूसरा तरीका यह बनता है, ये रेलगाड़ी है आपके पास, ये रेलगाड़ी है, मैंने मान लिया रेलगाड़ी जो है वो एक्स मीटर लंबी है, और यहां पर आपके पास, यहां पर आपके पास अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि एक है आपके पास, मान लेता हूं मैं, एक है आपके पास पुल, पुल है मतलब ब्रिज है, हो सकता है पुल ना हो, वो कह दे आपसे कि भाई सुरंग है, क्या है वो सुरंग है, या फिर कह दे आपसे दूसरी खड़ी रेलगाड़ी है, खड़ी रेलगाड़ी है, और इनकी डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, ये मैंने ए माना तो ये मैं बी मान ले रहा हूं। अब वो सब छोड़ो, तुम तो अपनी काम की बात पर आओ, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक पुल है, ऐसा है पुल है ना, और ये रेलगाड़ी है, पुल भी 20 मीटर लंबा, रेलगाड़ी भी 20 मीटर लंबी। अब रेलगाड़ी, पुल तो चलेगा नहीं, रेलगाड़ी चलेगी, रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बराबर में आ जाएगा, क्या पार करा, क्या पार तो नहीं करा अभी, फिर रेलगाड़ी इस पुल को छोड़ेगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 छोड़ दिया। तो मैं पूछ रहा हूं इस समय पर इस रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी चली गई, तो आप कहेंगे सर ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ दो। मतलब क्या समझ में आया कि अगर जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल सुरंग खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो तय की गई दूरी, तय की गई जो दूरी होती है वो होती है रेलगाड़ी की लंबाई, प्लस क्या, पुल होगा तो पुल की लंबाई, सुरंग होगी तो सुरंग की लंबाई, और अगर खड़ी रेलगाड़ी हुई तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। मतलब ए प्लस बी आप यहां पर कर सकते हैं। इन इतने कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सारे के सारे सवाल बना सकते हैं अगर आप इतना जानने लग गए हैं। बाकी रिलेटिव स्पीड मैंने बताई दी आपको, दो स्पीड को हमें कैसे प्लस करना है और कब माइनस करना है। गॉट इट? इतना अगर समझ गया तो चलो चलते हैं फिर जर्नी पर, और हमारी पहली जर्नी शुरू होती है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की गई है। कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और हैं, उन पर चर्चा भी करते रहेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको अलग अलग तरीके से, बाकी नावधारा का जब क्वेश्चन आएगा तो अपन नावधारा पर चर्चा करेंगे। बाकी का पहले चर्चा करते हैं अपन, नावधारा संबंधित प्रश्नों की बात होगी यहां पर, पहले करते हैं अपन एग्जाम पैटर्न पर बनने वाले सवालों को, ठीक है। तो पहले चाल दूरी समय के सवाल करेंगे, फिर अपन रेलगाड़ी के सवाल करेंगे, और फिर अपन नावधारा के सवाल करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी कुछ आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। क्लियर है यहां तक? दिख रहा है ना आप लोगों को सब कुछ?
एक मिनट, ठीक है, प्रॉपर विजिबल है, देखिएगा। धीरे धीरे बनाते हैं हर एक टाइप के सवाल को और जानते हैं अपनी पूरी जर्नी को, ऐसा कुछ पैटर्न है। ये ब्लर क्यों हो रहा है भाई? देखिए, अगर मैं बात करूं, चेंज कर लेते हैं इसको भी, ज्यादा ठीक रहेगा, अब ठीक है। सवाल नंबर एक, क्वेश्चन नंबर वन की बात करें, चाल की अवधारणा पर आधारित प्रश्न है। चाल की अवधारणा से मतलब क्या? एक मोटर बोट 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, इसकी चाल बताइए। तो बच्चों बार बार आपको बोलना है, चीजों को लिखना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है बच्चों? 100 मीटर है, बोलो हाँ या ना। और समय कितना है? 9 सेकंड है। तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा, 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना। अच्छा, मेरा जो आंसर आया वो काय में आया? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो आप बड़े वाले नंबर को ऊपर लिखो, किलोमीटर बड़ा होता है। सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी हो जाएंगे 18, 5 से करोगे ये चला जाएगा 20 बार। तो आप कहेंगे फाइनली कि जो स्पीड आएगी वो आएगी 40 किलोमीटर पर आवर में आने वाली है। क्या ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का, राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। सेमेज में बात करूं सवाल नंबर दो की, एक कार एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। एक बात बताओ मुझे, चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय। कितने मीटर की दूरी चलती है? 10 मीटर की। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो गलत बात है, हमें तो किलोमीटर पर आवर बताना है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 18 बटे 5 का। 5 दुनी 10 हो जाएगा, 18 दुनी क्या होगा? 36 होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 18 की टेबल याद करवाई ना मैंने आपको, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब 5 के पहाड़े में दो बार में 10 आता है। 5 का पहाड़ा जब दो बार पढ़ते हैं 10 आता है, तो 18 का पहाड़ा भी आप दो बार पढ़िएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। गॉट इट यहां तक? चलिए, वेरी वेल डन। तो इसी प्रकार से सवाल दिया है, एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलती है, 3 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी? कितने मिनट में पूछा है? 3 मिनट में। तो कोई भी तनाव नहीं आना चाहिए, कितने मीटर चलेगी दूरी पूछी है। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू, ये थोड़ा कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 36 की स्पीड चलती है वो, इकाइयों का ध्यान रखना आप लोग। टाइम कितना मिनट लगता है? 3 मिनट। यही गंदी बात है, 36 आवर में है और टाइम आपका मिनट में है, तो गलत बात है ना। मिनट को बनाओ आवर, तो छोटे से बड़ा बनाना है, 60 कर दो, 300 बढ़ा दिया इसको, 20 बार चला गया ये। इधर से करोगे आप लोग सॉल्व, अच्छा एक किलोमीटर में आंसर आएगा हमारा, अब है ना, मीटर में चाहिए उसे, बाद में मीटर में चाहिए है। तो डायरेक्ट अगर हम क्या करते, किलोमीटर पर आवर को, तो ठीक है मिनट में कन्वर्ट करो आप पहले। तो 20 से बढ़ाओगे तो यह जाएगा आपका 4×9=36, 4×5=20, लेकिन ये किलोमीटर में आया, मुझे तो आंसर मीटर में देना है। तो एक मीटर में कितने, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 5×10 290, 1800 काय में आएगा, मीटर में आएगा। तो एक ही चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक में, जहां पर आपको किसका ध्यान रखना होता है? इकाइयों का ध्यान आपको रखना होता है। क्लियर यहां तक बात? चलिए, सवाल नंबर तीन के बाद आगे हमारे पास और भी सवाल है अभी। तो सवाल नंबर चार ये रहा भाई, क्या कह रहा है यह सवाल? क्वेश्चन नंबर अगर मैं चार की बात करूं, अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? टाइम पूछा है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आगे की अगर हम बात करें, चार वाला आपका कमेंट बॉक्स वर्क बनेगा, पांच वाले की बात कर लेते हैं। एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर तय करती है, दूरी निकल आएगी। तो एक बार बताओ दूरी कितनी होगी? पहली लाइन से 10 घंटे चली, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, कितने की स्पीड? 48, तो कितनी दूरी हो गई? 480 दूरी हो गई, बोलो हाँ या ना, इतनी दूरी वो चलेगी। अब इसी दूरी को, उसी दूरी को, यात्रा को 8 घंटे में ट्रेवल करवाना है, कितने घंटे में कराना है? 8 घंटे में। तो बड़ा आसान है, 8 घंटे में चलवाना, तो कितना रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा? तो हम फिर से निकालते हैं स्पीड, स्पीड पता करते हैं, दूरी कितनी है? 480, और ये आ जाएगा 8, 8 से 48 60 आ गया। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, पहले दूरी कितनी थी? 48, अब कितनी हो गई? 60, कितनी बढ़ानी पड़ी दूरी? सर 12 किलोमीटर बनानी पड़ेगी। यही क्या होगा हमारे सवाल का? राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चा पार्टी? इसका राइट वाला आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है सभी को? क्लियर है। तो सवाल नंबर अगला आपके सामने है, उसके द्वारा था कि दूरी कितनी है। पहला अर्धांश 4 किलोमीटर से था, दूसरी द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है।
तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, या तो आप ऊपर वाला लगा लो, या फिर क्या होता है जब डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो आप एक तरीका लगा सकते हैं, एस वन टी वन बराबर एस टू टी टू, ये लगा सकते थे आप। तो उसके द्वारा थे कि दूरी कितनी है, तो दूरी निकल कर आ जाएगी सीधी सीधी, 9 घंटे में 4 किलोमीटर 36 किलोमीटर आ गई, और इधर पर आधी दूरी 5 की स्पीड से वो टोटल दूरी वो 9 घंटे में ट्रेवल करता है। ठीक है, इसमें बोला कहते हैं बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, एस वन इंटू टी टू निकाल लो पहले, पहले स्पीड कितनी है, पहले टाइम कितना है 9, कितने की स्पीड से 4 की स्पीड से, दूसरा वाला भाग कितने की स्पीड से 5 की, तो टाइम निकल कर आ जाएगा 9 चौका 36 बटा 5 कायम पूछा है इसमें, टी टू का मान आएगा ना वो, तो फिर स्पीड निकालनी पड़ेगी, टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लो, तो यहां से टी टू बराबर क्या आ जाएगा, टी टू टाइम कितना लगता है सेकंड वाले में, 36 बटा 5 लगता है आवर में, लेकिन हमें तो दूरी बतानी है दूसरी वाली, तो दूसरी वाली दूरी 36 आएगी, क्या गड़बड़ हो रही है भाई, 9 घंटे में एक निश्चित अंदाज पूरी करता है, पहला अंदाज 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, द्वितीय अंदाज 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता, उसके द्वारा तय की दूरी, आधी आधी दूरी डी डी सेम है, तो ये डिस्टेंस तो निकल कर आ रहा है ना अपना, 36 आ रही है डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितने में है 9 घंटे में, पूरी दूरी दी गई है, वो गलत चीज़ है, ये आधे का नहीं दिया ना, पूरी दूरी 9 घंटे में करता है वो, तो ऐसा करो छोड़ो, टोटल डिस्टेंस कितने घंटे में होती है 9 घंटे में, तो ऐसा कह सकते हैं ये वाला चलता है 4 की स्पीड से, और ये वाला चलता है आपका, देखो ऐसा है सवाल, वो आधी आधी दूरी इधर जाता है ये कितने की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करिए इन्हें 9 आवर में, पहला अर्धांश इसने गया है 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर से, और ये वाला गया है 5 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस सेम है, तो सिंपल है सवाल, ये वाली डिस्टेंस आप डी मान लीजिए और ये वाली डिस्टेंस भी डी मान लीजिए, मुझे बस इतना बता दो यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, तो आप कहेंगे सर डी बटा 4 समय लगा, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा डी बटा 5, टोटल समय कितना लगा 9 आवर, ये बढ़िया तरीका है, डी निकल कर आ जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 20 × 5 = 180 का आप अगर हाफ करते हो ये आएगा पहले तो 20, 5D और 4D 9D, 9 × 9 क्या हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा अपना 20, ध्यान देना 20 आया तो ये वाली डिस्टेंस 20 है तो ये वाली भी 20 होगी, टोटल कितनी आ जाएगी 40 निकल कर आ जाएगी, यही क्या बनेगा हमारे सवाल का राइट वाला आंसर बनेगा, बोलिए सभी क्लियर है क्या। तो फिर चलते हैं अगले वाले सवाल पर, यहां तक आपको एक एक चीज मैंने क्लियर करवा दी है, आगे जो भी डाउट बनेगा उस पर अपन चर्चा धीरे धीरे करेंगे। सवाल नंबर 6 दिया गया है, क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा करता है, ये तो कर लिया अपन ने, देखिएगा सवाल नंबर 7 आपके सामने ये रहा, अगर हम इसकी बात करें 1200 मीटर लंबे किसी पुल को दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, विजिबल है, बारह सौ मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट की चाल से चलें, तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे, एक बात बताना है यहां से, ये पेपर में चित्रकारी करके नहीं आना, एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, कितने लंबा पुल है कुल मिलाकर हमारा, टोटल पुल है हमारा 1200 मीटर का, ये वाला चलेगा कितनी स्पीड से 5 मीटर पर मिनट से चलेगा, और ये वाला चलेगा आपका 10 मीटर पर मिनट से, पेपर में मत बना कर आइएगा, बाकी समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। एक बात बताइएगा, अगर मुझे मिलने का समय निकालना है, तो अब दो स्पीड है तो ये रिलेटिव स्पीड, ये यहां से चलेगा यहां से चलेगा, तो हमें मिलने का समय मतलब टाइम निकालना है सीधा सीधा, अब वो चाहे क्या हो, मिलने का समय हो, चाहे वो मिलने का समय हो, चाहे वो पार करने का समय हो, चाहे वो खाना खाने का समय हो, कुछ भी हो, टोटल टाइम निकालना, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस कितनी है 1200 मीटर है, और इन दोनों को जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो अपोजिट मैंने सिखाया ना, सेम सेम माइनस अपोजिट में प्लस हो जाएगा 15 मीटर पर मिनट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मिनट को सॉल्व करेंगे, मत करो सॉल्व, आंसर हमें मिनट में ही देना है, तो यहां से करेंगे आप 15 × 8 = 120, 80 आएगा मिनट में,
सीधा सीधा आंसर निकलेगा, बिल्कुल भी कन्वर्जन मत कीजिएगा इस सवाल के अंदर, क्योंकि आंसर भी उसने कायम पूछा आपसे, मिनट में पूछा, इसलिए कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर यहां तक सभी को? चलो तो देखो भाई, फिर सबसे बेहतरीन सवाल है सवाल नंबर 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। वही है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी देखता है। मान लो यहां चोर यहां खड़ा है, यहां कौन खड़ा है? चोर, ये भागेगा, और यहां खड़ा है पुलिस वाला। इनके बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर की है। पुलिस वाला उसका पीछा भागता है, और चोर की गति है भैया 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस जो है ना, पुलिस कितने से भाग रही है? सही बात है ना, पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी ना, तभी तो पकड़ पाएगी पुलिस उसे। तो इनके बीच जो फासला है वो कितने का चल रहा है? 200 का तो बना ही रहेगा। अब इसकी स्पीड 11 है, तो ये 1-1 मीटर ज्यादा चल रहा होगा। तो एक बात बताओ, इनकी सापेक्ष स्पीड क्या होगी? अगर मैं पूछूं 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर चलेंगे, समान दिशा में जा रहे हैं, तो 1 घंटे में इनका जो गैप कवर कर रहा है वो कितने किलोमीटर कर रहा है? वो 1 किलोमीटर का, बोलो हाँ या ना। तो पूछ रहा है 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में आप कहेंगे 1/60 मीटर में पूछ रहा है क्या? 200 मीटर है वैसे तो ऐसा करो 1000 का गुणा कर देते हैं ना, ठीक है छोड़ते हैं। 1 मिनट में इतनी चलेगा, 6 मिनट में कितनी चलेगा? 1/10 चलेगा किलोमीटर, गुणा कर दो 1000 का, तो वो चलेगा कुल मिलाकर 100 मीटर का फासला बनेगा इनका 6 मिनट में। दूरी कितनी है इनके बीच की? टोटल दूरी है 100, आंसर मत लगा देना, टोटल दूरी है इनके बीच की 200। 6 मिनट में पुलिस वाला 100 मीटर और चल लेगा, तो इनके बीच का जो गैप रह जाएगा वो कितने मीटर का रह जाएगा? 100 मीटर का रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट वाला आंसर। आईएमपी बना लेना बच्चों इस सवाल को परीक्षा में आने के लिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। इसी प्रकार आपके पास सवाल नंबर 9 आ जाता है, देखिएगा सवाल नंबर, अगर मैं 9 की बात करूं, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 60 किलोमीटर से वापस आता है, तो दूरी कैसी है? दूरी गया लौट कर आया, बिल्कुल लगा सकते हो आप लोग एवरेज बराबर, क्या सिखाया 2xy/x, अभी लगा सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा आप लोगों को। 50 × 60/60 50 110, 0 0 कैंसिल, 50 × 100 के 600, 600/11, तो 11 × 5 55, 50 44, और कितने बचेंगे 6 11 5 55 किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आएगा, एवरेज निकाला है, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप बहुत तरीके से चीजों को बना सकते हैं। फिर से एक और सवाल पूछा है आपसे, औसत गति निकालनी है आपको, दूसरे दिन का बताया, तीसरे दिन 20 किलोमीटर इधर से यात्रा, उसकी औसत गति बताइएगा, हो जाएगा ये सॉल्व, इस सवाल को बनाएगा, 3 वाला फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं आप लोग उसको सॉल्व। तो मैं आ रहा हूं आपके लिए सवाल नंबर 12, जब 2 वाला आपको बन गया 3 वाला भी बनाना है, तो देखिएगा अगला सवाल। अपनी सामान्य चाल के 3/2 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कितने समय में पहुंचेगा, यह पूछा गया है। तरीका नंबर अगर मैं पूछूं 1 की, तरीका नंबर 1 है, अच्छा वो जा कहां रहा है? घर से कार्यालय ही जा रहा है, जा रहा है ना, तो डिस्टेंस फिक्स है ना, और डिस्टेंस फिक्स अगर है तो आप ऐसा कह सकते हो S1 T1 = S2 T2। तो पहले उसकी चाल कितनी थी? 3 नहीं, पहले जो चाल थी काम करो, पहले चाल मान लो 4, और टाइम लगता होगा वो सिर्फ टी टाइम। अब चाल उसकी कितनी हो गई? 4 × 3/4 = 3 हो गई, तो 20 मिनट लेट पहुंचेगा। लेट मतलब जो टी टाइम है ना उसमें 20 मिनट लेट का मतलब माइनस नहीं होता, प्लस होगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो सामान चाल से चलने पर वह कार्यालय कितने समय में पहुंचेगा, यह आपसे पूछा गया है। तो 4t 3t t = 20 दिया, क्या जाएगा? 60। 60 घंटे, टी क्या माना था अपन ने? जो टी माना था वो क्या माना था? सामान्य समय। तो 60 मिनट, मिनट है बेटा है ना, 20 मिनट है ना, मतलब 1 घंटे विलंब से पहुंचेगा, 1 घंटे लग जाएंगे उसको। ऐसा कर सकते थे आप, तरीका नंबर 2 भी है आपके पास। तरीका नंबर 2 क्या है देखना, आप ये कह सकते थे कि इसकी पहले वाली स्पीड 4 थी और इसकी ये वाली 3 थी, ये क्या आएगा रेशो स्पीड का, लेकिन डिस्टेंस फिक्स है, और जब डिस्टेंस फिक्स है तो ये बन जाएगा टाइम का रेशो, जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम का इन्वर्सली 1/स्पीड होता है, और करके स्पीड होता है 1/ उल्टा होता है, सही बात है ना, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये टाइम का रेशो है। तो अब बताओ मुझे बोलकर एक बात, आप मैंने आपसे ये पूछा जब इसकी 4 की स्पीड होती है तब इसे कितना टाइम लगता है? 3, और बाद में इसे कितना लगता है? 4, तो कितना मिनट ज्यादा लगता है? 1 लगता है। 1 किसकी वैल्यू है? 20 मिनट की वैल्यू है। तो सामान्य चाल ये वाली है ना, 4 वाली, बाद में तो कम हो गई, तो
तीन की वैल्यू कितनी होगी, 60 मिनट निकलकर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप सवालों को बना सकते हैं जो कि आपके एक घंटे को बता रहा है। गॉट इट, यहाँ तक कोई भी समस्या आप लोगों को यहाँ तक नहीं आई होगी। इसी प्रकार सवाल नंबर 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रेशियो पर बेस्ड है, 30 मिनट अलग लगता है, डिस्टेंस सेम रहती है, ठीक है। अब एक सवाल ये भी देखिएगा आप, वो ही है मेरे हिसाब से, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपना चाल इतना कम कर दे तो उसे उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो उसकी चाल प्रति घंटा आपको ज्ञात करके बतानी है। तो एक बात बताओ, कुल मिलाकर इसकी चाल थी कितनी, 1/15, 15 से इसने एक कम कर दी तो बची कितनी, 14/15। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक की वैल्यू 10 थी क्या, तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, 15 × 150, 30 घंटे में पहुंचता है तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, 5 किलोमीटर/आवर रही होगी। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, राइट वाला आंसर बनेगा। गॉट इट यहां तक सभी को, चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आपके पास में, देखिएगा, सारी चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की स्पीड चलती है, 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। अब रेलगाड़ी हो चाहे साइकिल, तो हमें क्या करना, जब दो लोग आएंगे तब अलग बात बन जाएगी। 16वें सवाल की बात करें, हमें बताना है कितने मीटर चलेगी, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना लगा 3, गलत बात है, किलोमीटर पर आवर ये मिनट में है, 30 × 60 हो जाएगा 1.5 क्या आएगा किलोमीटर। किलोमीटर में आंसर नहीं देना बच्चों, मीटर में आंसर बताना है। तो मीटर के लिए क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर बनाना है, किलोमीटर को जब मीटर बनाना है तो कितने से भाग लगा दो, छोटा बनाना है, गुणा कर दो 1000 का, तो 15000 आ जाएगी और एक पॉइंट हट जाएगा यहां से, देखो 1500 आ जाएगा काय में, मीटर में। क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है आप लोगों को, क्या आप कहेंगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा मेरे सवाल का, राइट वाला आंसर बनकर आ जाएगा। गॉट इट। सवाल नंबर 17 पर आ जाते हैं, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 40 किलोमीटर किसी गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो किस तरीके से करना चाहते हैं आप, 20 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस गति से ट्रेवल करे वो। अच्छा एवरेज बता दिया, तो एक तरीका तो है एवरेज निकालने वाला, बाकी सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना वो ये है कि पहले वो कितने जाती है 20 किलोमीटर/आवर से, बोलो हाँ या ना, और बाद वाली वो कितने जाती है हमें नहीं पता, लेकिन इनका एवरेज कितने का है, एवरेज 30 का है दोनों का। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20, नहीं ये वाली डिस्टेंस कितनी है 40, ये वाली कितनी है डिस्टेंस 40 और ये भी कितनी है 40। अब इसको सरल बनाओ आप, जरा सरल कैसे बनाओगे, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले एक एक आ जाएगा, तो इसको 10-10 मान लो आप मेरे हिसाब से, 20 में 10 जोड़ोगे 30 आ जाएगा, 30 में 10 जोड़ोगे तो यहां पर कितना आना चाहिए आपका किलोमीटर पर आवर, आना था क्यों नहीं आया, एवरेज स्पीड कितनी है 30 की है ना, टोटल एवरेज 30 का दिया, क्यों नहीं आएगा 40 अगर हम यहां ले लें, मतलब यहां पर 40 भी नहीं, 20 नहीं ले सकते, 20 लोगों के बराबर हो जाएगा, एक 40 आएगा यहां पर, 40 में 10 गया 30, 30 तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, एक मिनट रुकिएगा, छोड़ो सारी बात है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं इस सवाल में, एवरेज दिया है ना, एवरेज से कर दो, छोड़ो एवरेज की अगर हम बात करते तो पहले जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर चली गई वो कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर गई है 20 की स्पीड से, प्लस पहले कितनी, एक काम करते हैं औसत बराबर लिख देते हैं, औसत बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल चाल कर दीजिए, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी पहले कितनी गई वो 40, बाद में कितनी गई वो 40, ये वाली 40 गई है कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, ये वाली 40 का मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x, टोटल एवरेज कितने का है 30 का, बोलो बात क्लियर है, ऐसा कर दो सॉल्व, 40 × 80 हो जाएगा, मतलब इधर 2 बनेगा, ये 2 बन गया और ये 2x + 40, एलसीएम कितना आएगा 20x, तो ऐसा करो 30 तो लिख रहे हो, 40 × 40 = 80 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 20x, तो नीचे 20 × 40 = 40 × 80 हो जाएगा, और इधर पे करोगे आप प्लस में, एक्स एक्स कैंसिल, 40 × 800, ऐसा क्या, बहुत बढ़िया, तो सॉल्व कर दीजिए,
880 ग्यारह बार जाए, 11 तिया 33, 330 बटा मुझे करना है 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है भाई। पूरी यात्रा की औसत गति 30 दी गई है, उसको लगते हैं 2 घंटे, टोटल कितने घंटे लगेंगे 40 80 पार करने में, 80 बटा 3, 20 आ गया था, 20 बनाना था मुझे, मैंने एलसीएम कितना लिया 20 ही लिया ना, तो ये 40 आएगा, तो 840 में ये बन जाएगा आपका 30 बराबर 1600 एक्स बटा 840, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल, इधर से देखना आप 16 जा रहा है क्या, नहीं, 4 4 2 8 21, 4 4 16, 21 तिया 63 बटा 4 आ गया, 63 बटा 4, 4 एकम 4, कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा, हमारा पहले भी सही आ रहा था, मतलब कुछ गड़बड़ है सवाल में। इसको एक बार लास्ट में अपन चेक करेंगे, वेरीफाई करवाऊंगा मैं इस सवाल को, ठीक है। बाकी का हमें लगते कितने घंटे हैं, अगर हम बात करें 80 बटा 30, 8 बटा 3 घंटा, 8 बटा 3 आवर लगते हैं, जिसमें से 2 घंटे पहले लग गए, 3 दूनी 6, 2 बटा 3 आवर चलेगी वो, और कितने की कितनी दूरी चलेगी, 2 बटा 3 आवर चलेगी, और 40, तो 40 तिया 120, 120, 60 आंसर आ रहा है क्या, बन रहा है आंसर, एक मिनट रुकना, अब छोड़ दो सारी बातें, मुझे ले रहा है सवाल हमारे। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, देखना सिंपल तरीके से करते हैं। एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करता है वो, 30 की स्पीड, टोटल डिस्टेंस है कितनी, कुल समय कितना लगता है, कुल समय अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस 80 है और 30 का एवरेज है, मतलब 8 बटा 3 घंटे लगते हैं, और ये 40 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर किस कितने, और पहले 40 जाने में कितने लगते हैं उसे, 20 घंटे, मतलब 2 घंटे वो लगते हैं, तो कम करोगे तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 बटा 3 घंटे आ जाएंगे जो अगले वाले आएंगे, 2 बटे 3 घंटे चलना है मुझे, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 40, तो अगला वाला टाइम निकाल दीजिए, 40 20 40 या 4 या 12, 12 बटे 2 करोगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा होगा, पता नहीं उससे क्यों नहीं बना है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की थी क्या, बंद तो उससे भी जाना था, ये सवाल का क्या होगा, राइट वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बस जो है वो यात्रा का 12 घंटे में पूरा करती है, आरंभ की आधी यात्रा 22 की स्पीड से और बाद की आधी यात्रा 26 की स्पीड से, दूरी ज्ञात करके बतानी है, तो सेम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, टोटल डिस्टेंस कितनी है 12, ठीक है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, यदि वह दोनों ओर सवारी से जाता तो उसे 2 घंटे 10 मिनट बच जाते, तो वह दोनों ओर पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा, देखना सवाल को बहुत ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 19, अगर दोनों तरफ कैसे जाए, पैदल पैदल जाए, पैदल किसी स्थान में पैदल जाने और सवारी से लौट कर आने, ये लौट कर आता है, तो पैदल प्लस सवारी कितना टाइम लगता है इसको, 6 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है, बोलो बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। लेकिन यदि वह दोनों और सवारी से ही जाए, सवारी और सवारी जाता तो सवारी एक्स और वाई मान सकते थे आप, सवारी सवारी कितना बन जाएगा यहां पर, 2 घंटे 10 मिनट बनेगा, बोलो हाँ या ना, तो हम यहां से एक सवारी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक सवारी बराबर जाएगा आधा कर दो तो 1 घंटे 5 मिनट लगेंगे। अगर मैं सवारी को यहां से माइनस कर दूं तो पैदल जाने का टाइम आ जाएगा, पैदल जाने का टाइम क्या आएगा, 6 में से 1 जाएंगे कितने घटेंगे, 5 घंटे 25 मिनट लगेगा एक बार पैदल जाने में, लेकिन पैदल दोनों तरफ से आओगे तो कितना हो जाएगा इसका, आधा हो जाएगा, पैदल प्लस पैदल तो कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे, 5 घंटे लगने वाले हैं, सवारी और सवारी से कितना लगा अपन को, 1 घंटे 5 मिनट लग रहा है, तो 2x, x की वैल्यू निकाल ली अपन ने, उसको डबल कर देते 12 में से 2 माइनस कर दो 10, 2x की वैल्यू आ जाएगी, पैदल लगते हैं हमें 5 घंटे। अच्छा उसने कुछ बोला, यदि वह दोनों और सवारी से जाता तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते, 2 घंटे 10 मिनट बचने का मतलब समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पर कुछ बात और की थी उसने, 2 घंटे 10 मिनट बच जाते मतलब जा कितने में रहा है,
छः घंटे में से दो कम करो पहले तो आप, 4 घंटे आएगा और 20 मिनट आएगा, ऐसा है किस्सा। 4 का आधा करोगे 2 घंटे आएगा यहाँ से और ये 10 मिनट आएगा, तो सवारी का 2 घंटे यहाँ रखोगे तो पैदल का आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4 बचेंगे और 4 घंटे 20 मिनट आएगा। उल्टा कर दो, पैदल पैदल 2 बार कर दो, 2 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 8 घंटे 40 मिनट। आ गई बात समझ में क्या? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर बनेगा, गॉट इट। चलिए तो अगला सवाल है आपके सामने, अगले पर चलते हैं बच्चों। एक मिनट, तो मैं आपको लेकर चलता हूं अगले वाले सवाल की तरफ। क्या है? थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ लग रहा है ऐसा। 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते, उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की? क्या डिस्टेंस फिक्स है? क्या आप पढ़ेंगे तो चल जाएगा पता। 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया गया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता, टोटल डिस्टेंस कितनी है 84, यदि वह कितने की स्पीड से यात्रा करता 5 से, तो उसे इतने घंटे कम लगते। पचम 25 कायम पूछा है किलोमीटर पर आवर में, टी का नाम निकल जाएगा, S1 × T1 क्या होती है? डिस्टेंस ही तो होती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता, पहले वाली स्पीड हमें पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता। तो S1 × T1 दूसरी वाली मुझे पता थी, इसको सॉल्व करो जरा। 55 देखना, 84 माइनस बराबर 5T माइनस का 25, तो ये आ जाएगा तुम्हारा समथिंग समथिंग 8 × 100 = 109 बटा 5, 5 × 2 = 10 = 21। क्या बात है भाई। एट्टी फोर किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगेंगे, तो हम पता कर लेते हैं पहले वास्तविक है कितना। अगर वो 5 से ही करता 84 तो उसे कितने घंटे लगते? तो आप कहते सर लगते 5 × 5 कितना बचेगा मेरे पास में, 3 × 5 = 30 पर मिनट, 16.8 लगते हैं उस घंटे अगर वो 5 से करेगा। क्यों गड़बड़ करवा रहा है भाई ये सवाल? छोड़ो अब सारी बात, देखो थोड़ा समझो सीधा कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको सोच रहा हूँ 84 जाता होगा वो x से, यदि वो कितने करे 84 की यात्रा 5 की स्पीड से करे तो उसे 5 घंटे कम लगेंगे, 5 घंटे कम लगेंगे, ऐसा सवाल उसने बनाया है। टोटल एलसीएम आ जाएगा 5x, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 5xx कैंसिल, 5 × 20 पन्ने 40 × 2 = 42 माइनस का 84x बराबर में आ जाएगा 5। तो 25x और 84x करोगे अगर आप तो 420 बराबर 25x और 84x कितना हो जाएगा 104, 109 3 × 9 बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ करवा रहा है ये सवाल। चलिए ऑप्शन को देखकर नहीं करते हैं अभी इसको, अपन अभी अगली वाली अगले में लास्ट में डिस्कस करूंगा एक बार आकर। सवाल नंबर 21 पर देखिएगा, टाइम को बिल्कुल मैनेज करना है अपन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 1y किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो मेरे हिसाब से क्या करोगे, 3 घंटे में कितनी करता है? सिंपल है ये तो, 3 घंटे में चलता है वो 10 × 50 और 51/5 किलोमीटर। हमें निकालना 1 घंटे का, निकाल लो, एक नहीं निकालना 5 का। तो 1 घंटे कैसे निकलेगा, 51/5 × 3 मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से करोगे 17 आ रहा है क्या?
17 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा सवाल का, राइट वाला आंसर बनकर आ जाएगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिएगा सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। सवाल नंबर 23 क्या बोल रहा है आपसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पॉइंट वाला सवाल बन रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर चलते हुए 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है, दूरी निकल आएगी है ना, उतनी ही दूरी तय करे। दूरी निकाल लेते हैं सीधी सीधी, कैसे निकालोगे दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, 3 घंटे 45 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इंटू टाइम करते हैं डिस्टेंस आ जाएगी, तो चार तो रहेगा ही रहेगा इंटू 3 घंटे। मैंने सिखाया ना तुम लोगों को 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे प्लस का 45 मतलब 15 तिया 45 15 चौके 60, 4 तिया 12 12 3 15 बटा 4 कितना आ जाएगा, 15 बटे 4 घंटे। ये डिस्टेंस आ गई आपकी, क्या आ गई है डिस्टेंस, यही दूरी जानी है, किससे जाना है अब ये डिस्टेंस बराबर अपन स्पीड कर दो टाइम निकल आएगा, किससे जाना है ये 16.5 से जाना है, काय में है 16.5 किलोमीटर पर आवर में, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 15.16165 जीरो कर दो, ठीक है। तो पॉइंट में आंसर अच्छा ही तो उल्टा सीधा बना रहा है आंसर, मतलब एक घंटे से कम ही आएगा आंसर है ना। तो ऐसा करते हैं ये आवर में है, आवर से क्या बनाना है अपन को, मिनट बनाना है, तो 60 से गुणा कर दो, ऐसा कुछ बनेगा वो, तो मिनट में आ जाएगा फिर वो आंसर। 15 धाम के 150, 15 एकम 15 15, 600 बटे 11, ये तो याद होगा तुम लोगों को, 55.11 5 55 5 बचा 11 11 चौके 44, 11 चौके 44, 6 बचेगा 11 5 55, इस तरीके से वो निकल कर आ जाएगा। तो 54.55% मिनट क्या होगा इसका, राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। सवाल नंबर 24 की बात कर लेते हैं, क्या है सवाल नंबर 24 देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं इजी है। 20.5 मीटर की चाल जा रही 70 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, आप बना लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, क्या कह रहा है भाई 27, एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है, इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो वही दूरी निकाल लेंगे आप, फिर 12 की स्पीड से क्या कराएंगे, मूव ऑन कराएंगे। तो सेम नेचर का सवाल यहां पर बन रहा है। आ जाते हैं सवाल नंबर कहां पर, 26 पर। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलकर एक लड़का है, 2.5 की स्पीड से निकलता है और थोड़ा सा अपन वो कर लेते हैं अपना हमेशा की तरह, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर देता तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर व स्कूल के बीच की दूरी, सुनना मेरी बात पूरी ध्यान सुनना, अगर ये सवाल बनाने हैं आपको जल्दी, तो एक होता है डेल्टा मेथड। क्या होती है डेल्टा, स्पीड वन स्पीड टू, ये होता है इधर पे आएगा डेल्टी, डायरेक्ट डिस्टेंस निकल आएगी। कहाँ से बनाया, कोई बहुत बड़ा जादू नहीं करा, स्पीड इनटू टाइम ही लिखा है। ये जो है ना, ये है चालों का अंतर, ये क्या है चालों का अंतर है, और ये है समय का अंतर। बस इतना काम आप करना स्टार्ट कर दो। तो बताओ जरा, किसी दिन एक विद्यार्थी इतने की स्पीड से अपने घर से चलकर जाता है, यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर, 2 दूनी 4 और 1 कितने जाता है, 5/2 से जाता है, 1 की वृद्धि कर दी, 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1 बढ़ाओगे 2, 7/2 से जाएगा। अब वो अंतर कितने का आएगा, 1 का ही आएगा। टाइम का अंतर बताओ, देखो पहले 6 मिनट देरी से फिर 6 मिनट जल्दी, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, कन्वर्ट करोगे 60 में, ये डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल कर दे देगी। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, अभी तक का रामबाण तरीका है ये वाला, अगर ये सीख गए ना आप तो बहुत बड़े बड़े सवाल बना लोगे आप, सॉल्व करोगे इसको। 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35, 3.5, देखो 7 पन्ना 35, 35/10, 7/2, 2 1 3, 3.5 आ रही है मेरी तो डिस्टेंस बराबर, 3.5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अगले दिन मैं अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर दिया, वृद्धि भी करवा दी अपन ने, 2.5 से 3.5 हो गए, 3.5 आ रहा है, 4 एकम 4 4 3 7 7/4, 7/2 समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इसका, राइट वाला आंसर। अगला वाला सवाल चेक कीजिएगा, देखिएगा सवाल अगला है आपकी स्क्रीन पर जो कि बन रहा है,
किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की चाल चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही दूरी वापस में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल थी, यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे 48 मिनट का लगा तो कुल दूरी कितनी थी? सेम सवाल बन रहा है, पहले स्पीड कितनी है 5, बाद में कितने से आ गया वो 4 से, एवरेज स्पीड निकल आएगी, ठीक है। और अंतर कितने का बनेगा इनका? ये अंतर नहीं दिया ना इसका, ये सिंपल करो, ऐसा कर दो इसको सॉल्व। कैसा करोगे इसको? देखो, डी डिस्टेंस है, 25 की स्पीड जाओगे, लौट कर कितने से आओगे? 4 से, आने जाने में टाइम लगेगा 5 घंटे 48, थोड़ा इसको सॉल्व करो पहले, 5 घंटे 48 मिनट का, 48/60, 12 चौके 48, 12 5 60, 25 और 4 29/5 आ रहा है क्या? एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा, 4D 25D बराबर में आएगा 29/5, 29 से 29 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे 20 बार, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। अब हमारा जो अगला वाला पाठ है वो है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है यहाँ से? रेलगाड़ी कंसेप्ट याद है सारे के सारे, जब कोई रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो वो अपनी खुद की डिस्टेंस चलेगी, लेकिन अगर वो किसी ब्रिज को सुरंग को पार करेगी तो वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई होगी। 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 से चल रही है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर है ये भी किलोमीटर में है, तो 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। सॉल्व करोगे यहाँ से, 5 से जाएगा ये 20 बार, और ये 0 0 कैंसिल, 18 2 36 या 3 6 18, 6 2 12, कुल मिलाकर टाइम लगेगा आपका 12 सेकंड का, क्लियर है। सवाल नंबर 29 की बात कर लेते हैं। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को कितने समय में पार कर लेगी? मनुष्य को ही पार करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम पैटर्न का सवाल आपका बन रहा है। सवाल नंबर 30 की बात कर लेते हैं। 2 रेलगाड़ी समांतर लाइन पर एक ही दिशा में चल रही हैं, ये वाली जा रही है 50 से, ये वाली जा रही है 30 से, तीव्र वाली रेलगाड़ी, तीव्र से मतलब क्या है? सीधी सीधी बात करो, 50 और 30 का अंतर कितने का आएगा? 20 का, 20/50, 2/5, 50 का कितने का? 20 का, 20/30, धीमी वाली कितने की है? 30 की है, 2/3, 3 6 18, 6 2 12, एक आदमी को 18 सेकंड में, तीव्र रेलगाड़ी मंद रेलगाड़ी के एक आदमी को पार करती है ना, तीव्र रेलगाड़ी मंद वाली रेलगाड़ी के एक आदमी को, ये मैंने बताया था आप लोगों को, कैसे बताया था ये? दोनों का अंतर ले लो पहले, 20 आएगा फिर तेज वाली, 20/50, ठीक है, मतलब 2/5, 18 2 36/5 आएगा, 36/5, 20 720, कैसे होगा भाई ये सवाल? सो जरा देखो एक बार, चेक करो, एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही हैं, स्पीड तो पता ही है अपने को, आदमी को पार करवा देते हैं, छोड़ो सारी बातें, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है उसने, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं एक्स रही होगी, आदमी को जब ये पार करेंगे तो इनको टाइम लगा है कितना? 18 सेकंड का, सिंपल है यार, जबरदस्ती कन्फ्यूज हो रहे हैं, समान दिशा में जा रही हैं वो, समान दिशा में जाएंगी तो यह आ जाएगा 20, बस याद रखना ये किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है, और आंसर किसमें देना? मीटर में, तो कन्वर्ट कर दो इसको 5/18 से, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 20 5 100, एक्स बराबर क्या आएगा? 100 आएगा, कभी कभी क्लिक होने में चीज़ें टाइम लग जाती हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना है। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं, हो गया 30 वाला क्वेश्चन अपना, इसी प्रकार आप देखेंगे अगला वाला मंद वाला, उस पुल की लंबाई याद कीजिए जैसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार करती है, तो किसकी बतानी है? पुल की लंबाई बतानी है, तो रेलगाड़ी की बता दी ना उसने, जब कोई रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी तो अपने आप ही आएगी, रेलगाड़ी को मैं आर लिख दूं क्या? मैं लिख दे रहा हूं ट्रेन तो रहेगी, और 130 मीटर लंबी एक ट्रेन तो पता है ना अपने को, ट्रेन कितनी लंबी है? 130 मीटर लंबी है, पुल मुझे नहीं पता, पुल मैंने पुल मान लिया, पार से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 की स्पीड चलने वाली है 30 सेकंड में, अभी गड़बड़ है ना, 5/18, यही बस सही करना होता है अपने को, 45 5 ऐसा करो 300 उड़ा देते हैं, 3 6 18 हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 2 6, 5 25 25 या 750, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 उड़ा दो इसको, चलो मल्टीप्लाई कर दे, 200 उड़ाया, 260,
प्लस का दो पुल, बाद में कर लेंगे, माइनस करोगे मेरे हिसाब से आएगा ये 250 और 250, 490, 490 का आधा क्या होगा 245 क्या जाएगा सवाल का राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट यहाँ तक? चल अगला वाला सवाल, 30 दूरी या रेलगाड़ी को पार कराना है आपको, अगले में भी क्या है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 60 की स्पीड से आ रही, कितने सेकंड में दूसरे को पार कर लेंगी? जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या होगा, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में आ रही है, दोनों रेलगाड़ी की दूरी जोड़ दो पहले, 120 और 120 हो जाएगा, और जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही, कितने सेकंड में पार कर लेंगे, 60 की स्पीड से आ रही है तेज वाली कर लेगी, टाइम आ गया, मीटर कन्वर्ट करो 5/18 ये बन जाएगा भाई तुम्हारा 270, 00 कैंसिल, और किससे जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 2 × 9 = 18, 99 = 81, 81/5 करना है, ज्ञात नहीं कर सकते इस सवाल में, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड वाले की हमें स्पीड नहीं बताई है उसने, इसलिए हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं कभी उसको, ठीक है। 34 है, सेम क्वेश्चन ही बन रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति चल रही है एक यात्री ट्रेन एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी गति बताइए, तो 90 की स्पीड जा रही है, टोटल टाइम कितने का हो गया 10 का, 9 किलोमीटर, ठीक है हो जाएगा ये सॉल्व, 34 बनाइएगा आप लोग, मालगाड़ी 10 का गैप बन रहा है पूरा टोटल। सवाल नंबर अगला है आपके पास में, अगर हम बात करें सवाल नंबर 35 की, ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक रेलगाड़ी ए से चलती है 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर बढ़ती है, वो 30 की ओर से बढ़ती है, दोनों रेलगाड़ी क्रॉस करने के स्थल से एक ए से दूरी बतानी है, थोड़ा अच्छा सवाल है इसको करते हैं सॉल्व अपन, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 500 है, ये चलेगी 20 की स्पीड से और ये चलेगी यहाँ से 30 की स्पीड से, तो मिलने का समय निकाल लेते हैं इनका, कहाँ मिलेंगी, यहाँ कहीं मिलेंगी, टाइम बराबर 500 दूरी चलेंगी, अपोजिट में है 30 और 20 क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर, किलोमीटर 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे ए को चला दो, ए चलेगा 10 घंटे, ए की स्पीड कितनी है 20 है, कितना चल लेगा वो 200 चल लेगा, यही क्या होगा हमारे सवाल का राइट वाला आंसर बनकर आएगा। गॉट इट यहाँ तक? चलो, दो रेलगाड़ियाँ वो पटना से निकली हैं, यदि हावड़ा चलने वाली गाड़ी है तो सेम क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। सवाल नंबर 37, एक बार ब्रिज वाला भी करवा देते हैं आप लोगों को, देखिएगा 37 की अगर मैं बात करूं, 1200 मीटर और 800 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 180 सेकंड और 132 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम ऐसा कह सकते हैं पहली रेलगाड़ी एक ही है, रेलगाड़ी एक्स की है 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में लेती है 180 सेकंड, और यही वाली ट्रेन 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में लेती है 132 सेकंड, स्पीड अपॉन टाइम स्पीड होती है, स्पीड क्या होगी दोनों की बराबर होगी, सॉल्व कर दो इसको, 4 छोड़ा दें, 4 × 16, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 15 बार जाएगा और ये 11 बार जाएगा, अब उड़ाओ 11x 15x, कितने x बचेंगे 4x, 1200 × 11 तो आ जाएगा 1300 × 20, नहीं ज़्यादा आएगा, 1200 × 11 कितना आएगा 0 0 2 2 2 1 3, 1320 ही आएगा ना, सही तो है, प्लस 15 × 8 = 120, 1200 120 आ गया बराबर में 4x आ गया, 4 × 3 = 12, x की वैल्यू कितनी आई है 30 आई है निकल कर, 30 कहीं आ रही है क्या, ये 00 हो जाएंगी भाई, 300 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी आंसर निकल कर आ जाएगा। गॉट इट यहाँ तक सभी को? चल, वो एक रेलगाड़ी है एक लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, तो गैप कितने का बन रहा है 3 सेकंड का, 3 सेकंड का डिफरेंस निकाल सकते हो। सवाल नंबर 39 भी सेम पैटर्न पर बन रहा है, सवाल नंबर 40 भी एक ही दिशा में है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, दोनों ट्रेनों को जोड़ देंगे अपन, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 54 और 48 की घंटे की चाल से है, यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लें, दूसरी रेलगाड़ी की क्या बतानी है आपको, लंबाई निकाल कर बतानी है, तो देखिएगा सवाल नंबर कहाँ आ गया, मैं 41 पर आ गया हूँ, 41 की अगर हम बात करें 54 48 एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट ऐसी आ रही हैं, पहली रेलगाड़ी कितने की है 250 की, दूसरी वाली मुझे नहीं पता, मैंने मान ली एक्स, अपॉन में कितने सेकंड में 18 सेकंड में, स्पीड लिख दो यहाँ पे, स्पीड मुझे बताओ, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, अपोजिट में आ रही हैं, अपोजिट में क्या करोगे ऐड करोगे 50 40 90 98 98 और 4, 102 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करो 5/18 का, ये मंजे ले रहा है, 3 × 18 3 × 9 3 × 12 और क्या होगा, अब जा सकता है क्या, नहीं, 6 × 6 = 6 6 × 3 = 18 कर दो, तो 5 × 3 = 15 15 चौका
पंद्रह चौका साठ, छः पंद्रह तीन पैंतालीस सौ, छः इक्यावन माइनस ढाई सौ कर दो, 260 आंसर आ जाएगा निकल कर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, राइट वाला आंसर। ठीक है, कर लोगे ट्रेन वाले सवाल, ट्रेन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे अगले सवाल हैं नाव एवं धारा वाले। कौन से हैं आप? नाव एवं धारा वाले। तो नाव धारा के बारे में क्या जानते हो, सुनना, सीधी सी बात करना। जब भी नाव धारा की, जैसे पानी यहाँ बह रहा है, पानी यहाँ बह रहा है और नाव भी यहीं जा रही है, तो इनकी जो नाव की चाल एक्स है और इसकी चाल वाय है, जब समान दिशा में जाती हैं तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर कोई पूछे आपसे नाव की चाल, तो आपको आंसर देना है। स्पीड बढ़ेगी ना जब आप साइकिल चला रहे हो और हवा आपके उसमें ही चल रही है, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। और अगर कभी कोई कहे कि धारा बह रही है यहाँ पर लेकिन नाव उल्टी जा रही है, उल्टी जा रही है, तो फिर कहोगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत में नाव की चाल, तो क्या बनकर आएगी बच्चों? एक्स माइनस वाई। सही बात है ना, आप जा रहे हो सीधे, हवा चल रही है उल्टी, तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी। बाकी का याद रखना, नाव की चाल जो है हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, और धारा की चाल कितनी है बेटा, धारा की चाल मानी है हमने वाई किलोमीटर पर आवर, चाल की बात चल रही है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कीजिएगा बनाना। क्वेश्चन नंबर 42 की बात, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 जाता है। धारा की दिशा, दिशा मतलब क्या, स्पीड बढ़ रही होगी, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू दी है, x माइनस वाई की, x प्लस वाई की, धारा की दिशा में। लेकिन हमें ये स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 72 हमें चाहिए एक घंटे से, 3 × 6 = 24 किलोमीटर प्रति घंटे जाती होगी वो। और यदि धारा की गति, धारा की गति कितनी है, 3, धारा अगर 3 है तो ये बताओ दोनों मिलकर 24 बनाते हैं तो ये कितना बनाएगा, 21 बनाएगा, तो नाव की चाल कितनी है। जैसा करना हो वैसा करो, बाय का मान रख दो, यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर धारा के विपरीत में, अब जैसे ये सवाल दिया है 42, धारा की दिशा क्या होती है बताओ, इसको बोलना आना चाहिए, इसको बोला करो x प्लस वाई 11, और धारा के विपरीत अगर कोई बोले तो x माइनस वाई, विपरीत मतलब माइनस। इसको सॉल्व करने का तरीका देखना ध्यान से, तुम दोनों को जोड़ो एक बार, 11 और 8 19, 19 का आधा कर देना, x का मान निकल आएगा, नाव की चाल घटा दो, 3/2 कर देना, बाय का मान निकल आएगा। एक बार जोड़कर दो से भाग लगाना, एक बार घटा के लगाना, आंसर दिख रहा होगा। काय की पूछी, धारा की गति ना, धारा की गति 1.5 आएगी, बाय का मान पूछा है उसने आपसे। इस तरीके से आप चीज़ों को अगर बनाएंगे तो आपको कभी भी टेंशन यहाँ पर नहीं होने वाली है। गॉट इट? देखिएगा, जैसे कि सवाल नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर, एक नाव, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत जाती है मतलब x माइनस वाई, जाती कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 40, 8 घंटे में, तो आप क्या कहोगे, डायरेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर। और 6 घंटे में अभी करवाया मैंने, धारा के 7 जाएगी तो कितना जाएगी, 36 जाएगी, 36 जाती है 6 घंटे में, तो स्पीड क्या होगी 6। अब आपको निकालना काय का मान है, नाव का, तो दोनों को जोड़ दो, 11 कर दो, 11 का आधा कर देना, आंसर निकल कर आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। देखो जरा चेक करो एक बार ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 भी इसी टाइप का बन रहा है आपका, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 45 करवा दें क्या, चलो एक बार 45 करते हैं, वापस आने जाने वाला सवाल करवा देते हैं। बात बताने, एक व्यक्ति सांझ जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। सांझ जल मतलब व्यक्ति भी क्या होता है, नाव ही होती है, तो एक्स का मान मिल गया। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो स्थान कितनी दूर है, सिंपल सा बात पूछी है उसने। तो एक तरीका मैं बताऊं आप लोगों को, डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डेल्टा लगा दें क्या, नहीं, सिंपल ही करते हैं। देखो एक बार तो वो मान लो ये है, ऐसा एक बार गया है वो, तो एक्स प्लस धारा की दिशा में जब जाएगा तो ये कितनी है 5 और ये 1 है, तो कितनी हो जाएगी 6। और एक बार लौट कर आएगी तो स्पीड कितनी लेना आप, 5 में से 1 गया 4, ये 4 लेना। तो बस सिंपल है सवाल, जाने में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो d/6 + d/4 इतना टाइम लगा, हमें कितना लगा, 1 लगा, 6 और 4 का 12 आ जाएगा, 2d + 3d = 1, 5d तो ये 2.4 आ रहा होगा, d बराबर आ जाएगा 12/5, 5 × 10, 5 × 20, इतना किलोमीटर वो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने चाल दूरी में बनाया है सवाल, इसी प्रकार 46 है और इसी प्रकार से क्या आपका 47 सवाल है। अगले वाले पड़ाव में हम करेंगे
यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सभी सभी बेहतरीन सवालों को। क्या बनेंगे सवाल? बिल्कुल बनाएंगे, हम लोग वन बाय वन करके बनाएंगे, और बेहतरीन सवाल हैं सारे के सारे। 48 की अगर मैं बात करूँ, यूपी कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न, देखना। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलता तो 54 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो एक बात बताओ, चलता कितने था 8 से, अब कितना चलने लग गया? वो 12 किलोमीटर चलने लग गया। तो उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा ली? उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा ली? 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली। तो ये 4 के चक्कर में ही चल रहा होगा ना, वो 4 के चक्कर में कितनी चला है? वो 54 चला है। तो 1 किलोमीटर आ जाएगा एक घंटे, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बता दीजिएगा। ठीक है भाई, वास्तविक दूरी बता दो इसको, 4 किलोमीटर जाता है तो एक घंटे में कितनी जाएगा? तो 8 के हिसाब से निकाल लेंगे बाद में। 4 का मान ये है, 54 दूनी क्या आ जाएगा, 4 का मान ये है तो 8 का मान क्या होगा? डबल कर दो, 108 किलोमीटर जाता होगा वो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा इसका राइट वाला आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करूँ क्वेश्चन नंबर 49 की, एक अंतरिक्षयान 2 घंटे 20 मिनट में इतनी दूरी ट्रैवल करता है, इसके बाद में 40 मिनट में इतनी दूरी तय करता है, अंतरिक्षयान की औसत गति बताइए। सारी दूरी जोड़ दो पहले, तो कुल दूरी औसत बराबर कुल दूरी, मतलब 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9, 2 और 2 हो जाएगा 4, 8 से 14 की 4 कैरी आई 1, 7, इतनी दूरी चला वो। फिर 6625 चला है वो कितने से? 2 घंटे 20 मिनट में, मतलब डिवाइड बाई टाइम। और 824 कितने चला है वो? 40 के हिसाब से, मिनट बोल रहा है ये, पता है? ठीक है ना, तो कन्वर्ट कर लेंगे ना इसको, क्या दिक्कत है। ये इसको भी डिवीजन लगाना पड़ेगा 60 से, और इसको भी लगाना पड़ेगा। 1/3 होता है, देखो 2 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब 20/60, तो 1/3 होता है, 3, 2, 5 और 1, 6, ये तो आ गया भाई 6/5, सही आ रहा है ना, 1/3 होता है इसको, 0, 0, ये आ रहा है 2/3। अब वो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेंगे आपको, इसको सॉल्व करना और आंसर निकल कर आएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है, धीरे धीरे करके सॉल्व बनाइएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। यूपी कांस्टेबल 18-20 में एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है? गति बतानी है। तो ये आसान सवाल है आपका, 35 मिनट में आप कितनी दूरी जा रहे हो? आप जा रहे हो 455 मीटर। तो मैं कहूँ 1 मिनट में कितनी जाओगे, तो आप कहोगे सर 455 बटा जाएंगे कितना, 35 जाओगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 1 घंटे में, तो 1 घंटे मतलब मुझे 60 का गुणा करना पड़ेगा, 60 क्या होता है, 1 घंटा होता है, तो यहाँ पर भी 60 का गुणा कर दो, ये जाना चाहिए 35 से कम, 35 जाएगा, 35 3 90 5 3 15 जा रहा है ये 35 से, 35 से कम 35 10 105, तो 3 बार जाएगा ये, 13 6 78 780। लेकिन वो किसी और में पूछ रहा है आपसे, क्या दिक्कत है भाई, 780 काय में आ गया हमारा, अच्छा मीटर था, 1000 से डिवाइड लगा दो तो 0.78 निकल कर आ जाएगा, किलोमीटर में बताना है उसको, मज़े ले रहा है वो आपके, इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सेम एज रानी और सोनाली 800 मीटर के गोलाकार मैदान 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं, यदि उनकी गति 10:9 में है तो विजेता एक दूसरे को कितने से पार करेगा? अरे सीधी बात है यार, ये 9 कदम चलती है, 10 कदम चलती है, तो ये 10 कदम चल लेगा और ये उस टाइम 9 कदम चल जाएगा, तो ये इसको क्रॉस कर देगा, तो एक ही बार क्रॉस करेगा बस। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा सवाल का? राइट वाला आंसर बनेगा। समझ, अगले सवाल की अगर हम बात करें, घोड़सवार में पूछा गया प्रश्न है, एक ही दिशा में जाती हुई 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती हैं, और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, उनकी गति का अनुपात आपको निकाल कर बताना है। तो एक ही दिशा में जा रही है ना, तो एक काम करो, ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एक व्यक्ति को पार करती हैं, तो जब व्यक्ति को पार करेंगी तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, तो ट्रेन, ये वाली ट्रेन कितनी लंबी है? 15x लंबी है, और ये कितनी लंबी है? 25x लंबी है, गॉट इट यहाँ तक? अब वो किलोमीटर पर में माना है अपन ने, एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को जब पार करेंगी तो क्या होगा? देखो दोनों ट्रेनों की तो लंबाई आएगी, पहले तो 18 सेकंड में पार कर देती हैं, तो 18 लिख दो यहाँ पर, उनकी गति का अनुपात निकाल देते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, और क्या है, तो इधर से काय का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यार स्पीड हमें पता है क्या? पता तो है स्पीड, ये हमने ट्रेन की लंबाई लिख दी, स्पीड कितनी है इनकी, x एक ही दिशा में जा रही है, सेम में माइनस है, 18x 15x कितना बनेगा बच्चों? 3x बनेगा, है ना, और इधर देखना 25x और 18y, ये बनेगा 7y, क्या 7-3 आ रहा आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू 7 है, बाई की वैल्यू 3 है, बस यही हमने स्पीड मानी थी। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इस सवाल का? राइट वाला आंसर बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को? सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा। सवाल नंबर 54 की अगर हम बात करें तो ये पूछा गया है आपका, कब
यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और यह 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को यहीं से सॉल्व कर लें अगर, तो ट्रेन की लेकिन लंबाई नहीं पता ना अपने को, तो मुझे चल जाएगा पता। ट्रेन की स्पीड तो सेमी होने वाली है, मतलब ये ट्रेन एक व्यक्ति को जब पार करेगी ट्रेन खुद ही अपने को चलेगी, कितने में चलेगी? 15.3 सेकंड में। लेकिन जब ये ट्रेन कितने को? 196 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसको लगते हैं 43.3 सेकंड। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? अरे ट्रेन की स्पीड तो बराबर होगी ना बच्चों, ट्रेन की स्पीड कैसी होने वाली है? बराबर होने वाली है, बोलो हाँ या ना। पॉइंट से पॉइंट जुड़ा दो पहले तो, 15 + 3 = 45 नहीं जा रहा, 15 × 2 = 30 बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाई कराने का मूड है क्या? 3 × 1 = 3 बिल्कुल नहीं जा रहा, 11 × 3 = 44 नहीं जा रहा है। फिर भाई 43.3 सेकंड में पार करती है, बरबली हो सकता था है। चलो कोई बात नहीं, 433x और 153x कर दो पहले तो, आप ऐसा कर दो बराबर में 196 × 153, ऐसा करके कुछ देखते हैं। 3 − 3 करोगे 0 आ जाएगा, 13 × 5 = 8 बचेंगे और इधर 3 − 1 = 2, 280 आ जाएगा बराबर में कितना? 196 × 153 सॉल्व करवा रहा है ये, 3 × 18 = 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36, 7 × 3 = 70, 7 × 3 = 49, ठीक है। तो ये आ गया 7 × 3 = 21 आ रहा है पॉइंट में, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? अच्छा इसको भी काय में चाहिए आंसर और मीटर, अच्छा बाद में भी कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में ही चाहिए उसको, ठीक है। ट्रेनिंग गति निकल कर आ जाएगी यहाँ से, तो देखो 7 × 3 = 21 दो बचा, 7 × 5 = 35 और 2 = 37 3 बचेगा, 7 × 7 = 3 × 10 / 10 107 आ रहा है मेरा तो, ऐसा कुछ बन रहा है भाई। मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पुल को ट्रेन की गति क्या है? 107। चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसके ऑप्शन गलत दिए हैं जहाँ तक मुझे पता है, यूपी कांस्टेबल में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था शायद, है ना। बाकी परेशान नहीं होना कि सर गलत हुआ है, गलत नहीं हुआ है, सही है वो, इसलिए हम कभी कभी क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हम आंसर के पीछे पड़ जाते हैं। बाकी ये है मेंशन, मैंने जस्ट चेक किया था, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 है और दूसरे आधे भाग को, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, क्या लगा दोगे आप? 2x/upon क्या करोगे? x+y करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आधी आधी दूरी वाला सवाल आए तो। x 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, करवा दो भाई। उनकी आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर की यात्रा x द्वारा पैदल चली गई। जब भी ये सवाल आए तो आपको बार बार मैंने करवाए हैं, एक बार क्या कर लो आप पैदल कर लो और एक बार कर लो आप साइकिल। पैदल की स्पीड कितनी है? 5, साइकिल की कितनी है? 12। टोटल स्पीड निकाल लेना, इधर आएगा 75/8, ऐसा कर सकते थे आप, या फिर वही डी मानना पड़ेगी, तो फिर वही परेशानी में आओ, टोटल टाइम लगता 8 घंटे का, ऐसा करोगे ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको। देखो इसको 8 हटाओ पहले, ये 8 कैसे हटाएं? 8 का गुणा कर दूं, ये 8 हट जाएगा, यहाँ पर भी 8, ये 5 × 8 = 40 बन जाएगा, बहुत बार करवाया मैंने आपको ये, 12 × 8 = 96, 40 × 75 = 35, 96 × 75 को तो ये बचेंगे अपने पास में 25, 25 में 4 कम करो 21, 7 × 21, 7 × 5 = 35 मल्टीपल में आंसर। एक्स द्वारा पैदल ती गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी, एक्स द्वारा पैदल ती गई दूरी तो कितनी है? 21, 21 ट्रैवल की है भाई, क्या दिक्कत है? 75/8, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, 8 × 5 = 40 हो गया, 12 × 8 = 96 और 96 और 21 करोगे, 96 − 21 = 75, आंसर तो अपना सही आ रहा है बच्चा, ऐसा तो नहीं है, इधर 3 टाइम लगेगा इसको, 21 × 84 840, सही है बच्चों, कुछ तो है बात, कुछ तो बात है उस सवाल में। यूपी कांस्टेबल 2019 का मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ, अभी जस्ट आना था रेशो से, क्यों नहीं आएगा, एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस हुए हैं गलत रॉन्ग वाले, पंद्रह आ रहा है, ऐसा करो फिर छोड़ो,
15 आ रहा ना, 3 का मल्टीपल बनेगा, 3 का मल्टीपल है क्या वो, रेशो में हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया, इसलिए आंसर अपन ने बनाया हुआ है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल द्वारा 19 में पूछा गया प्रश्न है, यात्रा पर एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से 120 80 से, यात्रा की औसत गति बतानी है, फॉर्मूला बेस्ड है, 2x कुल दूरी क्या लगाना, लेकिन कुल दूरी अपॉन कुल समय वाला आपको क्या करना है, यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, दो कारों का अनुपात 10:11 है, तो एक बात बताना मुझे, 10:11 अगर 11 है और पहली कार 10 घंटे में 500 तो 1 घंटे में कितना चलेगी बता सकते हो क्या? 1 घंटे में चलेगी सर, वो स्पीड कितनी होगी उसकी, 0, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 की वैल्यू 50 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी, 55 हो जाएगी, 0 0 कैंसिल, 10 5 बार आएगा ना, 10 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 5 है तो 11 5 क्या हो जाएगा, 55 से 55 क्या होगा इस सवाल का राइट वाला आंसर। यूपी कांस्टेबल द्वारा 19 में पूछा गया प्रश्न, एक इमारत वाला सवाल जरूर हम लोग डील करेंगे। देखिएगा भाई, 58 की बात करें तो एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर है, मान लो यहां से लेकर यहां तक, यहां कहीं पर क्या है, 11वीं मंजिल है, और इसकी स्पीड कितनी है, यहां से ऊपर की तरफ जाने वाला है, और ऊपर की तरफ कितने जाएगा, ये 57 की स्पीड से जाएगा, मंजिल पर मिनट इससे जाएगा, ये यहीं कहीं पर 51वीं मंजिल है, 51वीं मान लीजिए, 51वीं है, और यहाँ कहीं ये मिलेंगे, ऐसा मान लेते हैं यहाँ कहीं ये मिलेंगे, ठीक है, 51वीं मंजिल है, और इस पर इसकी स्पीड कितनी है, 63 मंजिल पर मिनट है, समझना सवाल को, है ना, एक ऊपर से आ रहा है एक नीचे से जा रहा है, कब मिलेंगे ये, कब मिलेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। बात बताओ, हम मान लेते हैं टी टाइम में मिलेंगे, तो इसकी स्पीड क्या बनेगी, 63t, और इसकी स्पीड क्या बनेगी, 57 चल लेगा, लेकिन टोटल मंजिल कितनी है, 51 और 11 का डिफरेंस कितनी है, 40 है, तो टी बराबर यहाँ से 1/3, मतलब 1/3 क्या आ जाएगा आपका, 1/3 मिनट आ जाएगा। अब 1/3 मिनट में नीचे वाली कितनी चल लेगी, 1/3 मिनट में नीचे वाली 57 की स्पीड से कितना चल पाएगी, कितनी मंजिल पहुँच जाएगी वो, 19 मंजिल वो पहुँच जाएगा, ठीक है, मतलब वो 19वीं मंजिल पर मिल सकते हैं, 19वीं मंजिल पर मिलेंगे, तो टोटल कितनी है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का, तो कितना आ जाएगा अपना, 31, 19वीं मंजिल पर मिलेंगे ये, और यहाँ से यहाँ तक कितनी मंजिल है इसके पास में, 11, तो 19 और कितना करोगे आप, 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 19 और 11 30, और प्लस बन करके चलना है, ध्यान रखना 31वीं मंजिल पर ये मिलने वाले हैं, इस चीज़ को आपको रिमेंबर रखना है। क्यों करते हैं प्लस बन, क्योंकि 30वीं मंजिल पर तो पार करेंगे एक दूसरे को, और 31वीं मंजिल पर वो एक दूसरे से मिल लेंगे, मतलब टकरा जाएंगे, तो पार करना और टकराना एक ही बात है, याद रखना इस बात को, ठीक है। सहमज, एक और सवाल बन रहा है आपका, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को, तो पहले तो आप क्या करो, स्पीड इंटू टाइम कर दो, स्पीड इंटू टाइम करोगे 250 × 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 दूरी जानी है, कितनी दूरी जानी है आपको, 1000 दूरी जानी है, 1000 किलोमीटर जाना है, और इसको टाइम बताना है, गति क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 घंटे 40 मिनट मतलब 40/60, 2/3, 3 × 2 = 5, 5/3, 500 उड़ाओगे 200 बार, 200 तिया क्या आ जाएगा, 600 किलोमीटर पर आवर इसका क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, यूपी कांस्टेबल द्वारा 19 में पूछा गया प्रश्न है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो भाई 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है, और यदि सभी स्थान पर रुके तो 1 घंटे में 36, तो सीधा बात है अगर ना रुके तो कितना है, 60 की अगर हम बात करें, अगर ना रुके तो 45 और रुक जाए तो मतलब कितने रुक रही है वो, 9 किलोमीटर रुक रही है, कितनी रुक रही है, 9 कहाँ से रुक रही है, तेज वाली से, 45 से इंटू में क्या कर दो 60, 9 × 45 5 उड़ाओगे तो कितना आ गया 12, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकने वाली है, 12 मिनट रुकने वाली है, इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हो, 60 का मैंने गुणा किया, समझ गए ना। इसी प्रकार सवाल नंबर अगला है, यूपी कांस्टेबल द्वारा 19 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, 2 रेलगाड़ी का अनुपात 5:6, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तक, अभी करवाया मैंने ये सवाल, 450 जाती है वो 5 घंटे में, तो उसकी स्पीड पता कर लो 90 है, 90 नहीं है भाई दूसरी की, 6 है, 6 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 75 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इस सवाल का, राइट वाला आंसर बनकर आ जाएगा। गॉट इट यहाँ तक, चलते हैं फिर आगे अगले वाले सवाल की तरफ। अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास अगला सवाल 62 ये रहा सामने, देखिएगा,
एक सुबह बेदही, एक सुबह बेदही 18 में पूछा गया, अपने घर से कार्यालय साइकिल 15 की स्पीड से गई लेकिन बहुत यातायात कारण 10 की आई। तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे ना, बेदही वाला सवाल है तो क्या हुआ बच्चों, आप तो अपना काम करो ना, दो गुणा क्या करोगे 15, गुणा क्या करोगे 10, 15 10 क्या हो गया 25, ये एवरेज जाएगा, एवरेज निकाल दिया आपने फाइनली। तो 5 दिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर आंसर है। इकाइयाँ लिखते रहा करो वैसे आप लोग, तो मेरा यही सजेशन है आपको। 63 की अगर हम बात करें, प्रभात एक निश्चित दूरी में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति साइकिल चलाता तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता, प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे चलाई थी। देखो मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों से, टोटल डिस्टेंस मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा आपसे, S1 S2 अपॉन डेल एस इंटू में डेल टी, ये काम अगर आप कर दो ना तो काम बन जाए। टोटल डिस्टेंस कितनी है 240, ठीक है। पहले स्पीड कितनी थी, पहले हमें नहीं पता कितनी थी, पहले नहीं पता, एस थी पहले, और एस प्लस अब कितनी हो गई 3 हो गई। डिफरेंस कितने का आएगा, अंतर 3 का आएगा, टाइम का अंतर कितने का है 4 घंटे का, 4 6 24 60 आ गया, 6 3 18, एस प्लस 3 बराबर आ गया है 180, ये आ गया भाई। अब यहाँ पे कोई वैल्यू पुट अप कर लो आप जिससे आपका काम बन जाए, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 18 चाहिए 45, अगर मैं क्या रख दूँ 15 रख दूँ, 15 3 18 नहीं बात नहीं बनी, 15 धाम के 18 बनाना है तो 10 13 सॉल्व करवा रहा है अपन सवाल, सॉल्व करवा ले भाई। साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे गति चलाई गई थी, एक्चुअल में पूछ रहा है वो, तो ऑप्शन रख लेते हैं 9 और 9 3 12, 12 नंबर 108 नहीं होगा, 10 10 और 3 13 130, 12 रखो 12 और 15 हो गया काम। अगर हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, बाय ऑप्शन पुटिंग कर लेना आप, बाय ऑप्शन रखोगे ना, अगर 12 मानता हूँ तो 12 और 15, 12 15 बराबर 120, तो 180 बराबर क्या आ गया, 180 आ गया, सेटिस्फाई कर गया कौन सा वाला ऑप्शन, 12 वाला। इस तरीके से बनाइएगा आप, इन सवालों से अगर आपको जंग जीतनी है, जल्दी करना है तो दो तीन बार बता दूंगा मैं आप इस चीज़ को, जैसे ये सवाल नंबर 64 भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को देखना, इसके बाद फिर होमवर्क दूंगा। पहले देखो, पहले उसकी स्पीड कितनी मान लो आप 5, बाद में कितनी हो गई 3 हो गई, दोनों का अंतर कितने का आएगा 2 का, टाइम का अंतर कितने का है 45 मिनट देरी का है, और पॉल्सन आमतौर पर अपने कार्यालय, तो डिस्टेंस पता चल गई क्या हमें, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इतनी आएगी ठीक है, कितना समय लेता है तो समय निकाल लेंगे बाद में, पहले डिस्टेंस पता कर लेते हैं अपन। 5 3 15 कैंसिल नहीं हो रहा, 45/60, 5 3 15, 15 4 60, ये आ गई है 45/8 डिस्टेंस आ गई है, इतना किलोमीटर वो 45 किलोमीटर जाता होगा ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है आमतौर पर, तो अगर मुझे ये पता हो इसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड है 5, तो अगर हम डिस्टेंस को 5 से भाग लगा दें तो 5 नाम 45 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, मतलब एक सही 1/8 घंटे उसे लगते हैं। इस तरीके से आप बनाइएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, डेल्टा मेथड इन सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म करता है। तो सवाल नंबर बहुत पूछे गए ये सवाल आपका, देखो ये सेम क्वेश्चन है 65 ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बनी जाएगा आपका, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल। एक और आ गया सवाल यूपी कांस्टेबल 2018 में फिर से पूछा गया सवाल, ये सारे सवाल बना लेना वन बाय वन, इससे बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ और नहीं मिलेगा। बात करें सवाल नंबर अगले की 68 की, ये भी क्या वही कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड चाल चलती अथवा 25 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है, यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 650 किलोमीटर की दूरी में 45 सेकंड लगते हैं, ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई। तो मेरे हिसाब से एक काम करो, ये 6 मीटर है, कायस है ललिता, और 25 से वो चलाती है साइकिल, पैदल चलती है, वही सवाल बन गया ना, समझ में आया, पैदल और साइकिल ठीक है। लेकिन बीच का ध्यान रखना, 650/45 करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड लिखाएगी, तो 15 3 45, 15 से नहीं जाएगा वो, 5 से 5 नाम 45 और यह जाएगा 130, 5 5 130/9 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, 9 हटाना है मुझे, कैसे हटाऊँ, 9 हटाना है मुझे अपॉन में से, अपने आप मेरा सवाल बन जाएगा, 9 का मैंने यहाँ गुणा कर दिया, 9 का मैंने यहाँ गुणा कर दिया, ये बन गया 9 6 54, अलग से लिख रहा हूँ, ये बन गया 54, ये बन गया 225 और ये आ गया तुम्हारा 130। एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, एक वैल्यू इससे छोटी होगी, बस खत्म हो गया सवाल, करो आप सॉल्व। तो 9 से मैंने सब में गुणा कराया तो 909 ये कैंसिल हो गया, ये सॉल्व अगर करोगे तो 54 से मुझे 130 बनाना है, कैसे बनाएंगे अपन, 46 और 30 76, कम कर दो 70 25 95, 19 5 95, 19 4 76, किसका पूछा है, ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई है,
साइकिल का स्पीड 4 है, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल नहीं है, देखो जरा, मतलब वो मल्टीपल में आप डिवाइजन लगाओगे ना तो फिर से आ जाएगा, ठीक है, मल्टीपल से आंसर दे दिया करो, रेशो का हम खुद बना लेते हैं ना क्योंकि, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है इसमें सवाल आपके, जैसे अगला वाला सवाल है 69 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में ये कह रहा है, पर्सन एक निश्चित दूरी 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाता है, यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते, तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटा में उस गति का चयन करें जिससे वास्तव में पर्सन ने साइकिल चलाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 है, उसने अपनी स्पीड एस थी फिर एस माइनस 2 कर ली, एस थी कितनी कर ली फिर एस माइनस 2 कर ली, एस 1 इंटू एस 2 याद आ गया क्या, अंतर बताओ अंतर कितने का है, पहले जितनी भी स्पीड रही होगी बाद में उसने 2 बढ़ाई है तो अंतर कितने का आ गया 2 का, 3 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब डिफरेंस कितने का है 3 का, और डिस्टेंस कितनी है 180 है, तो बड़ा काम आसान हो गया, देखो 3 × 18 60 दुनिया 120। अब तुम दिमाग लगाओ जरा, क्या मैंने ये सवाल करवाया नहीं तुम लोगों को, यहाँ रखो ऑप्शन, वो खुद ही बोल रहा है ऑप्शन का यूज करो, 9 रखोगे 9 में से 2 का 9 × 7 = 63, मतलब 9 तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं है, 10 रखोगे 10 − 8 = 80, ये भी आंसर नहीं है, 12 रख के देखो, अच्छा 12 + 10 = 120, जीत गए ना जंग, ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस सवाल का, राइट वाला आंसर, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मैं क्या बताऊं आपको, और इन सवालों में बच्चे बहुत भयंकर कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, फिर से वो ये ट्रेन जिसकी गति इतनी इतनी है 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकाल के बतानी है, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नाव धारा वाला सवाल, क्या कह रहा है भाई देखो जरा समझना, सवाल नंबर 71, मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करती है जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लेती है, सांझ जल में दोनों ओर की यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, सांझ जल में दोनों ओर की यात्रा करने में टोटल टाइम पूछा है, तो कुछ तो बता देते तुम हमें, मन्नत धारा के साथ जाने हैं मतलब x माइनस y की वैल्यू 7.5 घंटे दी है, गलत बात है, तो जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लगते हैं, 17.5 घंटे हो गए, 17.5 तो सांझ जल में, पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे ये सवाल, हो जाएगा, देखो हम एक काम करते हैं डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, धारा की दिशा में जब जाएगी तो क्या होगा x प्लस वाई कितने घंटे लगते हैं 7.5 घंटे, इसी प्रकार से अगली बार x माइनस वाई जाने में से लगते हैं 10.5 घंटे, यहाँ से स्पीड निकालनी पड़ेगी आपको पहले, ठीक है, देखना पॉइंट से पॉइंट करो कैंसिल, पहले 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 96, 7x 5x 2x, 5y 7y 12y, 2 × 12 x अपॉन वाई बराबर 2/1, ठीक है, मतलब नाव की स्पीड 2 है और धारा की स्पीड 1 है, सांझ जल में दोनों ओर की यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, तो कोई ना 2 और 1 क्या आ रहा है 3, कुछ तो ही बातें कर रहा है, शांत जल में दोनों ओर की यात्रा करने में मतलब नाव से ही जाना है उसे, तो डिस्टेंस पता है क्या अपने को, डिस्टेंस निकालना है यहाँ से 2 और 1 = 3, ये डिस्टेंस थी अपने पास में 7.5, 3 का गैप बन रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में, 2 और 1 = 3 आ गया, ठीक है 7 × 21 = 21, 17 × 51 = 52/3, तो 7.5 × 15 कुछ तो मिस्टेक लग रही है मेरे क्वेश्चंस में, मिस्टेक लग रही है, बाकी एक बार आप मैं टैली कर लूँगा उसको बाद में, देखो ये 2 बार लिखा है सवाल, अच्छा ये 2 बार लिखा है सवाल, पानी में धारा स्थिर, ये 72 वाला सवाल आ गया, देखिएगा रजनी 7.5 घंटे में 135 नाव चला सकती है स्थिर जल में, और वह धारा की दूरी 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है पानी में, पानी की धारा की गति मतलब ओवरऑल धारा की गति बतानी है स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में, एक्स का मान बताया है आपको 135/7.5, क्या हो सकता है इसमें 15 × 15 = 1500, 15 × 9 = 135 = 90, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 5 × 5 = 4, 18 × 5 = 90, 18 है एक्स की वैल्यू, धारा के विपरीत में क्या बताया है इसने, धारा के विपरीत मतलब काय का मान है अपने पास में एक्स माइनस वाई का, कितना है 4 × 48 मतलब 12, रख दो भाई एक्स का मान अगर 18 है तो इसका मान क्या रहा होगा 6 रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, जल्दी होते हैं सवाल सवाल, ऐसा नहीं डेटा मेटा मिसिंग होता है, एक ये जहाज़ वाला सवाल जरूर कीजिएगा आप मेरे साथ में, फिर उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ बचेगी नहीं, देखिएगा समझना पूरा क्वेश्चन ड्राइव करते हैं एक बार अच्छे से,
एक जहाज मैं किनारे से 20 किलोमीटर दूर हिसाब शुरू होता है, मान लो यहां पर सवाल नंबर 73, जहाज कहीं यहां पर है मान लेते हैं, कितना है किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, ऐसा एक जहाज है आपके पास, ठीक है। जहाज की स्पीड कितनी है भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। हालांकि जहाज 23 मिनट तक ही जल प्लावित कर सकता है, 23 मिनट तक ये जल फेंक सकता है, इसके में छेद हो गया, 23 मिनट तक ये पानी में रुक सकता है, लेकिन एक किनारे पर एक बचाव नाव आती है, एक छोटी सी नाव आती है और ये इसको बचाने जाएगी, कितने की स्पीड से, 23 मिनट तक जगी। यदि किनारे से एक बचाव नौका जहाज की ओर भेजा जाता है, जहाज के चालक दल और यात्री को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, एक बात बताओ, यहाँ 20 मिनट लगते हैं, दूरी कितनी है टोटल 20 की, और वो 23 मिनट रुक सकती है, 23 माइनस कितना कर दो 8, मतलब कितने टाइम हो सकता है, 15 मिनट में वो पहुंची होगी, कितने मिनट में पहुंची होगी, 15 मिनट में, 15 मिनट में जहाज चला कितना होगा तो पता करते हैं, 15 मिनट में, तो ऐसा है मेरे हिसाब से जहाज इनकी जहाज द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है जहाज की 12, 15 बटे क्या कर दो 60 कर दो, 15 चुके 60, वो 3 किलोमीटर ही चल पाया होगा जहाज, मतलब यहाँ कहीं पर जहाज आ गया होगा, ठीक है, उतने टाइम में। टोटल टाइम कितने का है भाई, टोटल टाइम है कितने का, 3 किलोमीटर चल पाया, टोटल दूरी कितनी थी 20, तो 20 में से उसने 3 चल लिया, मतलब नौका ने उसे कब पकड़ लिया, 17 में पकड़ लिया, बोलो हाँ या ना, नौका ने उसे कितने में पकड़ लिया, 17 में पकड़ लिया, तो पूछ रहा है बताओ नौका की गति क्या होनी चाहिए, नौका की गति कैसे निकलेगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी चला है वो 17 अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 12/60, 12 × 60 17 × 85 कितना आ रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, 15 कितने की स्पीड है इसकी, एक मिनट क्या गड़बड़ हो गई है, 20 और 3 का डिफरेंस 17 आ गया है ना, बचाव नौका को न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, तो 17 चलेगी, मतलब 17 इसकी डिस्टेंस है, 17 चली है, और कितने टाइम चली है ये, 15 मिनट चली है, 15 चौके 60 60 से गुणा कर दो, 17 चौके 68 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर निकल कर। एक बार ध्यान से पूरा सवाल करना पढ़ना, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया था मतलब यूपी कांस्टेबल में, ये तो मैं मानूंगा। सवाल नंबर अगला है यूपी का 18 में, तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, तो इस सवाल को मैं आपका बनाऊंगा होमवर्क, सेम क्वेश्चन बन रहा है। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मीटर पर सेकंड में, 45 पाँच का पहाड़ा पढ़ो, 5 × 45 तो 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लो आप, मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, गलत बात है, 45 अच्छा ठीक है 45 है वो, 75 की अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा कर दो, पॉइंट माइंड में आएगा 3, जैसे बात करो आप 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 25/2 का मतलब क्या होगा बच्चों, 12.5 होगा, क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा, गॉट इट यहाँ तक। चलिए अगला वाला सवाल है इसी प्रकार से आपका 76 है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता और ऑटो से वापस आता, इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे, यदि वह दोनों और ऑटो जाता तो उसे 30 मिनट लगते, 30 × 60 60 का कम कर दो 90 में, 30 का डबल करोगे 60, एक घंटा, ठीक है 2 घंटा आंसर बनेगा, सॉल्व कीजिएगा, मैंने करवाया इस लेक्चर का सवाल। सवाल नंबर अगले पर आ जाते हैं फिर, क्या है भाई देखिएगा, कुछ सवाल आपके और बचे हुए हैं जिनको मैं आपको डील करवाने वाला हूं। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन जरूर की है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी गति बताओ, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्पीड बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी खुद की लंबाई बटे में 15 सेकंड मीटर, कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा, आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुणा कर दो, 5 से चला गया 50 बार, 5 × 3 = 15, 5 × 50 = 50, 3 × 6 = 18, 10 × 6 क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल कर आ जाएगा, गॉट इट। चलिए सवाल नंबर 78 की बात करें, यूपी कांस्टेबल 2013 में 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी गति क्या है, रेलगाड़ी भी 360 है, प्लेटफॉर्म भी कितना है 360 है, 36 सेकंड लेती है, तो इधर पे क्या निकल आएगा, रेलगाड़ी गति, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 36 कैंसिल कर दिया, 10 × 2 क्या आ गया 20, मतलब ध्यान देना, देखो 20 काय में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा लेकिन किलोमीटर में चाहिए, 18/5 से गुणा कर दो, 5 × 20 18 × 6 क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर पर, क्या होगा इसका राइट वाला आंसर होगा। यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी एक घंटे में,
तथा धारा के विपरीत, मतलब सीधी बात, धारा की दिशा मतलब क्या दिख रहा है, धारा की दिशा मतलब क्या, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 1 घंटे मतलब 8, और धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2। मैंने एक तरीका बताया, इनको जब भी सॉल्व करना दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 का आधा कर दो 5, ये x का मान निकल आता है फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। और y निकालना हो ना घटा देना, 8 में 2 का 6, 6 का 2 आधा कर दो 3। पूछा किसका है, x का y का, धारा की गति, धारा मतलब y, y का मान कितना आया अपना 3 निकल कर आ गया। बोलो बात क्लियर है क्या। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति गुजरने में कितना समय लेगी। टाइम निकालना, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी ही दूरी चलती है 150, 42 की स्पीड से, ये मीटर है, ये गंदी बात है, इसको कन्वर्ट करो 5/18 से गुणा करके, 6 × 7 = 42, 6 × 3 = 18, ठीक है, 5 × 3 = 15, 30 × 3 = 90, 90 = 7, 7 भी तो बचा है अपने पास, 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 7 × 7 हो जाएगा, 2 बचेंगे, तो 7 × 2 = 14, 6 बचेंगे। इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है अपना पढ़ा, वो आप जानिएगा, समझना इस बात को। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें चाल दूरी समय किया कंप्लीट, चाल दूरी समय कंप्लीट किया। दूसरा हमने कंप्लीट किया नाव एवं धारा, इससे पहले हमने रेलगाड़ी भी किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर, आपको सवाल मिलने ही मिलने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सेशन काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, और सेशन वगैरह को शेयर भी किया करो, और ये बुक जो है ये आप मार्केट से परचेस कर लीजिएगा, तो इसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सॉल्यूशन मैंने भी करवाया, और आप यहाँ पर भी टैली कर सकते हैं चीज़ों को एक एक करके, है ना। तो अपने पास भी नोट्स होना जरूरी है, क्योंकि रिविजन के टाइम पर आप क्या करना, उन क्वेश्चनों को करके जाना जिनको करने की जरूरत आपको पड़ रही है, ठीक है। इस बुक को आप मार्केट से परचेस कर लीजिएगा, और आपको सारी क्लासेस इसी बुक पर मिल जाएंगी, जिसका बार कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।